राम जाने घोड़ा बेचारा तो पसीने पसीने हो गया। बिटिया मेरी मानो तो इसके लिए एक पंखा लगवा दो, पंखा। तुम भी निरे बुद्ध हो खुशिया, कहीं घोड़ों के लिए भी पंखे लगते हैं? अरे बिटिया राम की राम जाने, लगते नहीं तो लग तो सकते हैं। मैं कहूँ हूँ बिटिया, एक दिन वो आने वाला है कि घोड़े भी अपनी यूनियन बना लेंगे और हड़ताल कर देंगे। हाँ हाँ। आ गई शोभा, शुक्र है भगवान का। तू जब कभी घोड़सवारी के लिए जाती है मेरे तो प्राण सूखे रहते हैं। तुम तो यूं ही चिंता करती हो माँ, मैं कोई बच्ची थोड़ी ही हूँ। अरे तू तो सियानी है, मगर जानवर का क्या भरोसा, और फिर ये घोड़ा भी तो नया है। घोड़ा नया हुआ तो क्या, चढ़ने वाली तो मैं पुरानी हूँ। तू तो बचपन ही से निडर है, अगर तेरी माँ आज जिंदा होती तो तुझे अच्छी तरह बांध के रखती। लेकिन तुम क्या माँ से कम हो, तुम भी मुझे बांध रखो ना। शरीर कहेंगी जय, जल्दी से नहा ले। खुशिया जी मालकन, देखो मालिक स्टेशन जा रहे हैं, उनके लिए गाड़ी तैयार कर दो। गाड़ी मालकन, गाड़ी तो राम की राम जाने स्टेशन मास्टर ने तैयार कर दी होगी। बुद्धू कहीं का नहीं, अरे रेलगाड़ी नहीं बैलगाड़ी। क्या बाबूजी कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ शोभा, अब तुझे घर भी कब तक बिठा रखे, तेरे लिए दूल्हा देखने जा रहे हैं। मेरे लिए? हाँ नहीं माँ, मैं तो अपना वर खुद तलाश करूंगी। हाय राम, सुना जी, सुना रानी बिटिया क्या कह रही है? क्या कहती है ये? कहती है कि वो अपना दूल्हा खुद तलाश करेगी। हाँ, तो हर सुबह घोड़े पर सवार होकर ये दूल्हा ही तलाश करती होगी। बेटी वर तलाश करना मेरा काम है और पसंद करना तेरा। ये तो सब किस्मत का फेर है, अगर आज हमारा कुमार यहाँ होता तो शोभा के लिए वर की चिंता ही मिट जाती। छोड़ो भी, पुराने जख्मों को क्यों हरा करती हो। मुझे आज तक वो दिन नहीं भूलता जब मेरे दोस्त केदारनाथ ने मरते वक्त शोभा को मेरी गोद में दे दिया था और रो रो के कहा था, चरणदास ये मेरी आखिरी निशानी है, इसका लगन अपने कुमार से ही करना। लेकिन अब कहां से लाऊं कुमार को? उन्हीं को कौन टाल सकता है। भगवान का नाम लेकर जाइए, ईश्वर सहायता करेंगे। माँ, कुमार को गुम हुए कितने ही साल हो गए। क्या तुझे कुमार की सूरत याद है? क्यों नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है।
बचपन में हम दिन भर आंख में चोली खेला करते थे। वो मेरी चुटिया पकड़ के खींच लेता था और मैं चिल्ला उठती थी। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो मुझे प्यार से मना लेता था। कैसे भूल सकती हूँ वो दिन। देखो कितनी देर हो गई, जाओ जल्दी से नहा लो। चंद्र बाबा आइए आइए। सुंदर बाबू का सुंदर बाबू आपका बड़ा इंतजार कर रहे हैं। सुंदर बाबू जहन्नुम में गया। सुंदर बाबू सरकार हमारे होते हुए इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? तुम जैसे साथियों का क्या फायदा, जब तुम्हारे होते हुए मेरी इज्जत खाक में मिल गई। चरमदास मुझे इंसान नहीं हैवान समझता है। तुम्हें कहो चंद्र, क्या मैं शोभा के काबिल नहीं? आखिर मुझ में ऐसा कौन सा ऐब है कि मैं चरणदास का दामाद नहीं बन सकता? सरकार चांद में भी एक दाग है, लेकिन आप में तो वो भी नहीं। आपके इशारे की देर है, शोभा और उसका बाप दोनों आपके कदमों में होंगे। चंद्र हमें तुमसे यही उम्मीद है, लेकिन ये काम जरा टेढ़ा है। सरकार टेढ़े को सीधा करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। तो फिर देर किस बात की है? अरमानों की आग कब से भड़क रही है, इसे आज ही ठंडा कर दो। सरकार जहां बरसों जहर पिया है, एक दिन और सब्र कर जाइए। शोभा को अगर मैंने आपकी दिल की शोभा ना बना दिया तो लानत है मेरी जात पर। शाबाश, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। ये लो। इसकी क्या जरूरत थी सरकार, बंदा तो आपका खादिम। इंस्पेक्टर साहब। यस सर। कोई ताजा खबर? खबर क्या सर, सुबह उठते ही बीवी ने मनहूस खबर सुनाई कि आज एकादशी का व्रत है, न चाय न लस्सी। सर आज खाली पेट ही ड्यूटी पर आना पड़ा। सिपाही को खाने पीने की परवाह नहीं करनी चाहिए। पीता तो मैं बिल्कुल नहीं सर, मगर खाने का मुझे बहुत शौक है। 441 तुमने हरिदास मर्डर केस के बारे में क्या किया? सर 109 और 110 को मैंने इस ड्यूटी पर लगा दिया है। और तुम वर्दी पहनकर यहाँ खड़े हो। एक नहीं दर्जनों केस ऐसे हैं कि वैसे पड़े हैं, और तुम लोग अब तक एक केस का भी पता नहीं लगा सके। सर अगर पता लग जाता तो ना पिछले इंस्पेक्टर की तब्दीली होती और ना आप यहाँ आते। और ये देखो आजाद चंद्र के बारे में कितनी शिकायतें आ रही हैं। 441 यस सर। क्या तुम जानते हो कि ये आजाद और चंद्र कौन लोग हैं? जानता हूँ सर। कौन लोग हैं माला? ईश्वर का अवतार है सर। क्या मतलब? मतलब यही सर कि जैसे अवतारों के दर्शन बड़ी मुश्किल से होते हैं, वैसे ही आजाद और चंद्र के दर्शन भी दुर्लभ हैं सर। सर कोई लोग कहते हैं कि ये एक आदमी के दो नाम हैं, कोई कहते हैं कि ये दो आदमियों का एक नाम है, कुछ लोग सर कहते हैं कि ये जिंदा है, कुछ लोग कहते हैं सर कि ये मर गए। कोई समझ में नहीं आता सर, सारा मामला गोल। यस सर। अगर मामला सीधा साधा होता तो तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत थी? जिस तरह से भी हो तुम खुद जाकर उन दोनों बदमाशों का पता लगाओ। यस सर। सर एक बात सर। क्या है? सर मेरे तीन दूध पीते बच्चे हैं, पांच कुमारी और एक ब्याही हुई, कुल मिलाकर छह लड़कियां, और सर मेरी दो बीवियां हैं, और सर एक बूढ़ा बाप एक बूढ़ी माँ। इतनी बड़ी फौज का राशन लाने के लिए सर सिर्फ मुझे ही कमाना पड़ता है। सर अगर मैं मर गया तो इन 13 यतीमों को क्या होगा? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सर आजाद और चंद्र को पकड़ने का काम आप किसी ब्रह्मचारी के हवाले कर दीजिए, ये काम आप और मेरे जैसे बाल बच्चे दानों का नहीं है सर। पको मत, अगर इतने बुजदिल थे तो पुलिस में नौकरी क्यों की थी? पेट पालने के लिए। चुप रहो। यस सर। अगर तुमने एक महीने के अंदर अंदर किसी जुर्म का पता नहीं लगाया तो मैं DSP को लिखकर तुम्हारा तबादला करा दूंगा। थैंक यू सर, जरूर करवा दीजिए सर। इस एहसान के बदले में मैं और मेरे खानदान के 13 यतीम सर आपके लिए दिन रात दुआएं मांगेंगे। खामोश, जाओ ध्यान से अपना काम करो। यस सर। वो आवारा सुंदर और मेरी शोभा से शादी कभी नहीं हो सकता जी। मेरे बारे में कोई बात हो रही थी माँ? देखो ना बेटी, उस कमबख्त सुंदर ने इस बेचारे को कितना धोखा दिया है। इसे शादी के बहाने घर से ले आया और अब ये कहता फिरता है कि वो तुमसे शादी करने वाला है। मुआ कहीं का।
सुंदर ने कब कोई अच्छा काम किया है जो अब करेगा? माँ ये कौन है? मैं इसे बहुत दिनों से जानती हूँ। इसका नाम जानकी है। ये हमारे गांव के रहने वाली है। जब ये छोटी सी थी तो अपने पिताजी के साथ हमारे घर आया करती थी। बड़े अच्छे खानदान की लड़की है। बहन तुम उस कमीने आदमी की बातों में कैसे आ गई? उसने तो कितनी ही लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है। मुझे क्या खबर थी कि वो इस तरह धोखा देगा। शादी के बहाने वो मुझे यहाँ ले आया। यहाँ आकर मुझे पता चला कि उसके दिल में पाप है। वो अच्छा आदमी नहीं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा बहन। तुम चाहो तो उसे रास्ते पिला सकती हो। मैं बेबस क्या कर सकती हूँ? अब तो घर वाले भी मेरा मुंह देखने को तैयार नहीं। हिम्मत ना हारो बहन, अपने धर्म पे अटल रहो। भगवान ने चाहा तो सुंदर की आंखों से पर्दा हट जाएगा। हाँ बेटी, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। मैं अभी शोभा के बाबूजी से कहूंगी कि वो सुंदर को समझाए। धन्यवाद। नमस्ते। सलाम खान साहब। वालेकुम सलाम। कहिए मोतीलाल जी, क्या हाल चाल है? खान साहब, हम गरीबों का हाल पतला और चाल टेढ़ी है। अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे मेरे अजीज, ऐसा क्यों कहते हैं? सर, अल्लाह ने तो ये सब कुछ किया है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सर झुकाइए उसकी बारगाह में और शुक्र बजा लाइए। क्या शुक्र बजा लाऊं खान साहब? सारी दुनिया को उसने दौलत दे दी है और मुझे नौ नौ बच्चे। माशाल्लाह, अभी तो फिर भी दर्जन में तीन कमी है। यस सर, यस। नो सर, नो नो, दर्जन वर्जन का नाम मत लीजिए। जब तक ये नौ बड़े होंगे तब तक तो मेरे सर के बाल भी नीलाम हो चुके होंगे। ओ सर, सर एक बात तो मैं भूल ही गया, नए इंस्पेक्टर साहब आए हैं, बाहर खड़े हैं। बाहर खड़े हैं? लाहौल वाला कुछ जाइए, उनको ले आइए अंदर। आदाब हमसे इंस्पेक्टर साहब, बड़ी मसरत हुई नियाज हासिल करके। तशरीफ लाइए। हामिद मियां। हुजूर, खाने से मेहमान आए हैं, जरा बादाम का शरबत लाइएगा। लाया हुजूर। फरमाइए। खान साहब, इंस्पेक्टर साहब नए नए तब्दील होकर आए हैं, आपसे मुलाकात के लिए ले आया हूँ। जहे नसीब मेरे इंस्पेक्टर साहब, लेकिन तबीयत का जरा नर्म हूँ, पुलिस को देख के दिल धड़कने लगता है। सर, हर शरीफ आदमी पुलिस से डरता है। इंस्पेक्टर साहब, वो टीकमगढ़ वाले बाबू हरिदास के कातिल का कुछ पता चला? बात ये है खान साहब कि जब तक किसी मुल्जिम का पता न चले हम किसे पकड़े? अब मुल्जिम खुद भी तो आपके पास चल के आने से राम होती लाल जी। तो सर क्या हम उसके पीछे जाएं? जहमत तो होगी, लेकिन ये आए दिन की चोरी चिकारी डाके खून से लोगों को निजात दिलाने का सेहरा भी तो आप ही लोगों के साथ रहेगा। क्यों किमला? यकीनन खान साहब, और फिर आप जैसे आदमियों की मदद और दुआएं साथ हों तो फिर क्या कुछ नहीं होता। अरे हम क्या और हमारी दिशात क्या, ऊपर वाले का कर्म शामिल हाल होना चाहिए इंस्पेक्टर साहब। खान साहब, मैं एक और सिलसिले में भी आपसे दरखास्त करने आया हूँ। बस चश्म, फरमाइए फरमाइए। सर, सरकारी वार फंड के लिए हमें अपने इलाके से 50,000 रुपया इकट्ठा करना। अरे पर जंग तो साफ समंदर पार हो रही है, उसमें हम बेचारे हिंदुस्तानियों का क्या लेना देना? बस ठीक है सर, मगर सर इस बात का बहुत भारी खतरा है कि कहीं ये आग बढ़ते बढ़ते हमारे घरों तक न पहुंच जाए। तो रोकथाम के लिए रुपयों की दीवार खड़ी की जाएगी, क्यों मोतीलाल जी? खान साहब, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। खान साहब, कम से कम मेरी ही खातिर कुछ। मुअज्जिज़ मेहमान की ख्वाहिश मेरे सरांगों पर लिख लीजिए, मेरे नाम से मुनासिब समझे। 10,000? नो नो सर, खान साहब बड़े सखी आदमी है। 5,000 मुगोर। 15,000 नहीं 20,000 लिख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वो दीवार जरा मजबूत बनवाइएगा। खान साहब, अगर मुझे मालूम होता कि आज आप इतने अच्छे मूड में हैं तो मैं आपसे 50,000 मांगता। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, अब इजाजत दीजिए। जी नहीं, आज मैं मुंह मीठा कराए बगैर आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नो सर, आज तो हमें यहाँ ठहरना ही पड़ा है। मेरा मतलब है सर, अब हमें यहाँ ठहरना ही पड़ा। हामिद मियां, शरबत लाइए जल्दी से। राधा की लाज भरी अखी
शोभा बिटिया, राम की राम जाने तुम्हारा नाच देखकर तो इंद्रलोक की अप्सराएं भी शर्मा जाए। क्या है? सर एक केस लाया हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। क्या है केस? ये आदमी बगैर लाइट के साइकिल चला रहा था। तुम बगैर लाइट के साइकिल चला रहे थे? जनाब जब मैं घर से निकला उस वक्त बत्ती जलती थी, रास्ते में बुझ गई। तो तुम समझते हो कि ये बहाना हम लोगों के लिए कोई नया है? कांस्टेबल क्या ये सच कह रहा है? जी हुजूर, मैंने लाइट के हाथ लगा कर देखा था, गर्म थी। ओह गर्म थी, राइट। काम क्या करते हो? जी नौकरी की तलाश करता हूँ। तुम्हारा बाप क्या करता है? जी वो भी नौकरी की तलाश करता है। घर का घर ही बेकार है। पहले किसी जुर्म में थाने आए हो? जी कभी नहीं। कभी नहीं, पहली मुलाकात है। जानते नहीं तुम कि बगैर लाइट के साइकिल चलाना जुर्म है? तुम्हारे सर में भेजा है या नहीं है? याद रखो, अगर फिर कभी बगैर लाइट के साइकिल चलाते हुए पकड़े गए तो तुम्हारा साइकिल जब्त कर लिया जाएगा। वार्निंग, फर्स्ट वार्निंग। गेट आउट, गेट आउट, थिंग आउट। तो जनाब ये केस लाए हैं, खुद बेकार, बाप बेकार, माँ घर में बैठी चक्की पर दानों का इंतजार कर रही होगी। जुर्माना क्या वो हाथ देगा? अगर केस लाने का इतना ही शौक है तो ब्रिंग सम स्ट्रॉन्ग केस, वेरी स्ट्रॉन्ग। आई डोंट वांट दिस लाइट केस। खुशिया, ये खुशिया, मालकिन, क्या बात है मालकिन? अरे सुनता नहीं, कुत्ते कब से भौंक रहे हैं? कुत्ते भौंक रहे हैं कहाँ? ओह मालकिन, कुत्तों का तो काम ही भौंकने का है। और तुम्हारा काम है कानों में रुई डाल के सोए रहना। नहीं मालकिन, मैं सोया हुआ नहीं था, मेरी तो बस एक आंख लग गई थी। मैं भी कुत्तों को चुप करा देता हूँ। कम बखत, ना खुद सोते हैं ना सोने देते हैं, रात भर मुसायरा करते रहते हैं। ससुर कही गए। खुशिया काका, ओ खुशिया काका। कौन है रे? मैं हूँ काका, रामू का बेटा गंगू। गंगू? हाँ काका। अरे तू क्या चाहता है? कुछ नहीं काका, मैं जल्दी में गांव जा रहा था कि अंधेरे में मेरी टांग पे किसी ने काट खाया। जरा बत्ती तो लाओ काका, देखूं। क्या मुसीबत है? राम की राम जाने तुम इतनी रात गए घर से बत्ती लेकर क्यों नहीं चलते? खुशिया, खुशिया, क्या कर रहा है? क्यों ले मुझे? मालकिन, जंगल से किसी तरह से बच गया। मालकिन, मालकिन, क्या हुआ? रामू, ओ रामू, शंकर, ओ शंकर, रामू, जाने चाबी भी तो मैं यही छोड़ गया था। अब क्या करूं भगवान? तो चले भगवान, दाल भी जरूर कुछ काला है। मालिक से कुछ तो नहीं है, सब क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ!
कौन है? शोभा, दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ खतरे में। माँ खतरे में? क्या हुआ, कौन हो तुम, उजाले में क्यों नहीं आते? घबराओ नहीं शोभा, जल्दी से मेरे साथ आओ। बदमाश, कुत्ते, कमीने, तेरी हिम्मत, खबरदार जो आगे बढ़ा। घबराओ नहीं, मैं कोई बुरी नीयत से नहीं आया। तो फिर इतनी रात गए यहाँ आने का क्या मतलब? डरो नहीं, मैं तो तुम्हारी बेहतरी के लिए यहाँ आया, मेरे साथ चलो। देखो, तुम इस रास्ते से पहाड़ी मंदिर जाओ। अच्छा। मैं दूसरी तरफ से आता हूँ। क्या हुआ भैया? किसी सांप या बिच्छू ने काट खाया। सांप? ए, तुम सब आगे बढ़ो, मैं इसे संभालता हूँ और अपने साथ लेकर आता हूँ। दिखाओ कहाँ काटा है। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं आगे जाकर देखता हूं, अगर रास्ता साफ हुआ तो तुम्हें बुलाता हूं। खुशिया, ओ खुशिया। बाबूजी, आपकी बैलगाड़ी तो नहीं आई? नहीं आई? अच्छा तो तुम अपनी गाड़ी ले आओ। जो सब आइए। इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते, आप लोग शहर से आए हैं? जी हाँ। बाबू चरणदास कहाँ हैं? यहीं कहीं होंगे। सर सर, ये आवाज उधर से कहीं आ रही है। चलिए चलिए सर। ताला? सर यहाँ तो ताला लगा है, मगर आवाज अंदर से आ रही है। ए, कौन हो तुम? जो कोई भी हो बाहर आ जाओ, नहीं तो याद रखो हथकड़ी लगा दूंगा। 441 बोलो, बारो। सर, मेरा ख्याल है कि कोई भूत है। तुम चुप रहो, नंबर 15 ताला तोड़ दो। सर सर सर, इधर से भी आवाज आ रही है। जाओ तुम, जाओ उधर। 824 खंडी है, जाओ उधर, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। शोभा, शोभा, शोभा बेटी। राम राम राम। सर, मुंह बंद, हाथ बंद, पाँव बंद, सब कुछ बंद सर। बेचारे, रखो देखो, ले जाओ, रख दो, फ्लाइट की, फ्लाइट की, चलो समाज समाज, चलो। हाँ, मुंह खोल दो। ओ डॉक्टर साहब, आइए आइए, जरा देखिए इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, आखिर इनको क्या हुआ है? ओ
डॉक्टर सर, शुक्र है भगवान का कि ये लोग जिंदा हैं। सर अगर मर जाते तो हमारा बुरा हाल होता। बाबू चरणदास, क्या अंदर कोई नहीं है? जी नहीं, कोई भी नहीं। 441, तुम मेरे साथ आओ। यस सर। तुम तीनों मेरे साथ आओ। उठा दो और तुम यही रहो। डॉक्टर साहब आप नब्जे देखिए इनकी। किसी का पता चला? किसी का पता नहीं चला इंस्पेक्टर। शोभा कहाँ सोई थी? शोभा ऊपर के कमरे में सोई थी। आप मेरे साथ आइए। 441 सर, तुम इस कमरे की अच्छी तरह तलाशी लो। यस सर। नंबर 20 मेरे साथ आओ। 829 तुम इधर जाओ। 824 तुम उधर ढूंढो। 15 तुम इधर जाओ। बाबू चरणदास जी, क्या आपके बागीचे में ऐसी पत्तियों वाले पौधे हैं? जी नहीं, मेरे बागीचे में ऐसे पत्तियों के पौधे नहीं। ए, इधर इधर, हटाओ उसको, हटाओ, जल्दी जल्दी मैन। डॉक्टर साहब, खतरे की कोई बात नहीं, मैं अभी दवा लेकर आया। शुक्र है सर, खतरे की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब आपकी चिट्ठी, इस पर जल्दी से अमल कीजिए वरना खतरा है। बाबू चरणदास के यहाँ जितने भी आदमी बेहोश हैं उनको ये पत्तियां पीस कर सुना दीजिए और इस खत के पुर्जे कर दीजिए। आजाद। बाबू चरणदास फिक्र न कीजिए, मुसीबत टल गई। क्या हो रहा बहादुर, तू तो कई राय के सुंदर और चंदर शोभा की कल उड़ाई के लिए नहीं है। क्षमा करो सरदार, हम सुंदर और चंदर की बात साफ साफ नहीं समझ सके। अरे इन तक पूरन हम का आज खबर न देता तो भगवान जाने बेचारे की कौन गत होती। खैर चल, जो होई गवा सो होई गवा। अरे कर जल्दी से ले आ। हाँ जल्दी से ले आ। हाँ देख ये पुलिया पर से संभाल के ले हो। हाँ ले आ ले आ ले आ संभाल के। हाँ ले आ ले आ। हाँ दर्द देगा दर्द देगा यहाँ दर्द। अरे जल्दी करी। हाँ धीरे से धीरे से धीरे। खैर कौनो खतरे की बात नहीं। देखा तू ये पत्ती ले जान और इका काली मिर्च में पीस के मिलाई के फौरन लिया। बदमाशन ने बेचारी का गहना जेवर सभी कुछ छीन लिया। बहादुर तुम लोग जाए कि वो सब टीलन पे खड़े हो जाओ और कौनो खतरे की बात हो तो हमका फौरन खबर करो। अच्छा जाओ जाओ खड़े मुंह का काका। तो जाओ। मैं कहां हूं? डरा नहीं डरा नहीं, अब कोई खता नहीं। भला ये बता वो सब लोग धोखा कैसे भगाई ले गई? पहले तू बता कि तू कौन है और मुझे यहाँ जंगल में क्यों लाया है? अरे बा सूरत शक्ल से तो पढ़े लिखे जान पड़ा, पर शरीफ आदमी से बात करे के तनिको तमीज नहीं। जो लोग जंगलों में आवारा फिरते हैं उनकी भी कोई इज्जत होती है? मुला हमरे सर की सफेदी का तो कौनो ख्याल करो। नहीं आया। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा वही सब जाए दो, एक दवा पी लो तो हर तबीयत ठीक हो जाइए। नहीं ये दवा मेरी माँ को भिजवा दो, वो लोग कह रहे थे उनकी बहुत बुरी हालत है। अरे दवा तो हमारा आदमी तो हर माँ के पास ले गया है, वो तो अच्छी भी हो गई हुई है। तुम वो पी लो, बूटी का जहरीला असर दूर हो जाइए। मैंने तो बूटी सूंघी ही नहीं थी, बेहोशी का तो सिर्फ बहाना किया था। बहाना किया रहा? बहुत होशियार छोकरिया हो तुम। डरा नहीं, हम तो हर मददगार है दुश्मन नहीं। तो फिर मुझे घर पहुँचा दो,
मेरे बगैर मेरे माँ बाप का बुरा हाल होगा। भगत तो का घर पहुँचाना खतरे से खाली नहीं। पहाड़ की पगडंडी पर चंदर के आदमी दाग लगाए बैठे हैं। वो दिखाओ बुर्जी है ना, वहां तो का रात बिताना है, भोर बयान तो का घर पहुँचाई देवे। चल डरा नहीं, अरे हम तो का कहा ना, हम तो हर मददगार है, दुश्मन नहीं। चल चल डरा नहीं। ठीक सुना, धीरे धीरे संभाल 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 दिया। हाँ हाँ धीरे, आइए आइए आइए, देखते हैं। ऊपर चल, कौन बात है, हमका नींद में कुछ छूली तो ऐसा लगा था जैसे दुश्मन हमका घर दबाई से। मुझे नहीं मालूम था, देखो दिनचर्या आया है, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। ई बेला तुमका घर पहुंचाना कौन आसान बात नहीं, मगर मेरा यहाँ रहना भी तो ठीक नहीं। तुम क्या जानो मेरे माँ बाप मेरे लिए कितने परेशान होंगे। वो हम खूब जानत है, पर जान बूझ के हम तो का फिर दुश्मन के हवाले न करे। तो क्या मैं कभी घर नहीं जा सकूंगी? जा सकोगी, जरूर जा सकोगी, पर चंदर के आदमियों से जरा रास्ता तो साफ हो जाए। अजीब मुसीबत है, समझ में नहीं आता क्या करूं। देखा, तू इस बूढ़े की बात मान ले, जब आस पास से खतरा दूर हो जाइए तो हम तुमका सलामती से तुम्हारे घर पहुंचाई देवे। इस वक्त हमारे घर चले चलो, हम तुम्हारी खूब खातिर करिए। और तुम्हारा घर है कहाँ? वो देखो पहाड़ी की दूसरी तरफ, बहुत सुंदर जगह, तो बहुत पसंद आई। चला चला नहीं चला 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 सर, अगर ये खबर मुझे कल मिलती तो मैं कल ही उनको पकड़ कर गिरफ्तार करता और अंदर हवा रात में डाल देता, बाहर से ताला बंद कर देता। ये बातें छोड़ो। 441, यस सर। ये क्या बात है कि इस इलाके में रोज एक नया केस खड़ा हो जाता है, ये माजरा मेरी समझ में नहीं आता। सर सर इंस्पेक्टर। इनका मुंह साफ करो, मैं अच्छी तरह से देखूं ये कौन लोग हैं। चलो तुम चुप रहो 441, तू नॉट, इनको नीचे उतारो 441। यस सर। देखो वो आदमी जिंदा है या मर गया? जिंदा है सर, ये हराम खोर मरने वालों में से नहीं है सर। हाँ एक काटो काटो काटो, रख दो आराम से, बिल्कुल आराम से, देखो चोट नहीं लगे। शाबाश शाबाश, हट जाओ इधर, उधर हट जाओ। हाँ हाँ, ए बिश्ना तुम जाकर पानी लाओ और बैलगाड़ी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। तुम साफ करो चेहरे इनके, चेहरे साफ करो। तुम भी करो चेहरे साफ करो। तुम इनकी अच्छी तरह तलाशी लो सर। तुम भी तलाशी लो सर। सर ये सोने का लॉकेट सर। लॉकेट? हाँ सर। Thank you.
चंदन सिंह, सब ठीक हुआ है ना? हाँ सरदार, सब ठीक है। जाते हैं। शोभा, ये हमार पारो मौसी हैं और ये चंदा और ये गोपी। चंदा देख, तुम शोभा की खूब खातिर करिए, हम तब तक बाबा के पास जाते हैं। अच्छा शोभा, तुम इसे अपना ही बस समझना, शर्मा नहीं। और देखो, तुम लोग दीदी के पास रहना, मैं अभी आती हूँ। आओ दीदी, खाने के लिए चले, मुझे भूख नहीं है। ओह, हमसे नाराज हो? ऐसा भी क्या दीदी? नहीं नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं। दिल न तोड़ो हमारा दीदी, हमने कितने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया। तो क्या तुम जानती थी कि मैं यहाँ आऊंगी? हाँ दीदी, समझी। तो ये सब नाटक सोच समझ कर रचाया गया है। शोभा, देखने में तो खूबसूरत हो लेकिन बातों में भी बचपना है। कौन है तुम? मैं कौन हूँ? हाँ जरा सोचो, पहचान लिया मुझे? बताओ कहाँ देखा मुझे। आखिर ये क्या बदतमीजी, सीधी तरह बताओ तुम कौन हो? रे सूरत शकल से तो पढ़े लिखे जान परत हो, पर शरीर मानस से बात करे की तरीको तमीज ना है। अरे जान बताएगा, हम तो यही फलते ही होगा। हाय राम, ये तो उसी बुढ़े की आवाज है। अरे हम तो उसे कहा ना, हम तोहरे मददगार हैं, दुश्मन ना है। आखिर ये क्या पहली है, ये ढोंग क्यों नचा रखा है बताओ? दिल पर हाथ रख लो तो बता दूंगा। दिल पर हाथ रखो? क्यों रखो, क्या मतलब है तुम्हारा? इसलिए कि मेरा नाम सुनकर तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, तुम्हारा सर घूमने लगेगा और तुम चकरा के जमीन पर गिर पड़ोगे। ऐसे ही कोई सुरमा हो तो बताओ जरा, मैं भी देखूं मुझे क्या होता है। अच्छा तो समझ जाओ फिर, थाम लो दिल अपना, मेरा नाम आजाद है। आजाद? हाँ आजाद। वही लुटेरा जो दुनिया भर में डाके डालता फिरता है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं। पल्ले दर्जे के बदमाश हो तुम, बीसियों खून किए हैं तुमने। कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं। तुमने मुझे भी बुढ़े का भेद बदल कर धोखा दिया है, शर्मानी चाहिए तुमको। मैं तुम्हें नहायत खौफनाक गुंडों से बचाया है और इसमें शर्माने की कोई खास बात नहीं है। अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हें खूनी दरिंदे हो तो तुम्हारे साथ यहाँ आने के बजाय जंगल के किसी भेड़िए के हाथ मर जाना पसंद करता। मैं जंगल के तमाम भेड़िए खत्म कर देता मगर ऐसा न होने देता। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। क्या है? तुम समझते हो मैं एक बेबस कमजोर लड़की तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ, इसीलिए ऐसा कह रहे हो ना? मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो शोभा। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर क्या देखूं? क्यों देखूं? ये देखो कि मेरे दिल में कोई बुराई है या इनमें कोई पाप है कि नहीं है। इतने ही शरीफ आदमी हो तो मुझे मेरे घर पहुंचा दो। शरीफ आदमी भी हूँ और वक्त आने पर तुम्हें घर भी पहुंचा दूंगा,
मगर मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। हाँ शोभा, तुम इस संसार के धर्म को नहीं जानती, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं। हाँ, तुम्हें जिद्दी लड़की को समझाओ मौसी, इसका मन मेरी तरफ से बहुत मैला है। आओ ऊपर चले। आजाद एक लुटेरा है लेकिन निराला लुटेरा, देखने में वो गरजता हुआ शेर है लेकिन दिल से एक छोटा सा पंछी है। शोभा तुम यहाँ ठहरो, मैं जाकर खाना तैयार करती हूँ। नमस्ते इंस्पेक्टर। नमस्ते, आइए तशरीफ रखिए। धन्यवाद बाबू चरणदास। देखिए ये लॉकेट आप पहचानते हैं? ओह, ये लॉकेट तो शोभा का है, ये आपको कहां से मिला? चंदर के आदमियों से। मुझे तो यकीन हो गया है कि शोभा का अगवा भी चंदर के आदमियों का ही काम है और शहर के दूसरे केसेस में भी उसी बदमाश का हाथ है। लेकिन बगैर सबूत के मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। यस सर, मेरा भी यही ख्याल है। तुम चुप रहो बाबू चरणदास, क्या आपको किसी और पर शक है? कुछ समझ में नहीं आता इंस्पेक्टर साहब, मैं किस पर शक करूं और किस पर न शक करूं, मामला दिन ब दिन पेचीदा होता जाता है। ये देखिए एक नया खत। ये क्या, शोभा और आजाद के घर में? अजीब सी बात मालूम होती है। इंस्पेक्टर साहब, दुनिया में कोई चीज अजीब नहीं है। उस लुटेरे की जुरत तो देखिए, यहां तक लिख दिया है कि वो मेरा दामाद बनना चाहता है। आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, इससे बढ़कर शर्म की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? वन आइडिया सर, मेरे ख्याल में जैसे फिल्म में कभी कभी एक ही एक्टर दो आदमियों का पार्ट करता है, वैसे ही चंद्र और आजाद दोनों एक ही आदमी के नाम है। सर ये आजाद जरूर डबल रोल कर रहा है। ये मुमकिन हो सकता है, जिस रात शोभा का अगवा हुआ उस रात बेहोशी से होश में लाने वाली दवा आजाद ने ही भेजी थी। वन मोर आइडिया सर, ये भी हो सकता है कि चंद्र ने ही आजाद के नाम से ये चिट्ठी लिख दी हो पुलिस को तंग करने के लिए। 441, खुदा के वास्ते अपने आइडियाज अपने पास रखो। पहले आइडिया में कह रहे थे कि आजाद और चंद्र एक ही आदमी के दो नाम है, दूसरे आइडिया में कहते हो कि चंद्र और आजाद दो मुख्तलिफ आदमी है। ऐसे आइडियाज अपने दिमाग में जमा करते जाओ, मुझसे मत कहो, समझे? यस सर। कुछ भी हो इंस्पेक्टर साहब, किसी तरह शोभा का पता लगाइए। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, उसके बगैर घर में दीवारों से सर फोड़ने को जीता। सर सर ऐसा न कहिए, ईश्वर किसी बाप से उसकी बेटी जुदा न करे। सर हम लोग शोभा का पता लगा कर ही छोड़ेंगे, आप ऐसे खतों की परवाह न कीजिए। सर ऐसे खत तो यहाँ रोज आते रहते हैं। बाबू चरणदास हौसले से काम लीजिए, कानून आपके साथ है। मुझे यकीन है कि आपकी शोभा बहुत जल्द घर पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं इजाजत चाहूंगा, नमस्ते। नमस्ते सर। आओ मेरे बच्चे, मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुमने शोभा की जान बचाकर बहुत अच्छा काम किया। कैसी है शोभा? वैसे तो अच्छी है लेकिन काटने को दौड़ती है बाबा। झूठ, बिल्कुल झूठ बाबा, उसका मिजाज तो बहुत मीठा है। चंदा को बहुत पसंद आई है, अब इन बूढ़ी हड्डियों पर भरोसा नहीं रहा, वरना तुम्हारी शादी में। तुम इसकी कुछ चिंता मत करो बाबा। अच्छा बेटा, शोभा को जल्दी घर पहुंचा दो, वो किसी की अमानत। बाबा चंदर के आदमी से जब भी रास्ता साफ हो जाएगा मैं खुद ही घर छोड़ाऊंगा उसको। और बेटी चंदा, तुम कल शोभा को अपने साथ लेती आना। जरूर बाबा, तुम उसे देखकर बहुत खुश होगे। Thank you.
शोभा दीदी चलो हमारे साथ। कहाँ गोपी? आज हमारे बाबा का जन्मदिन है, आओ तुम्हें नाच दिखाएं। ऐसा नाच तुमने कभी नहीं देखा होगा। तेरी गली आई रे आई रे आई रे, वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। हम लूटते कैसे लोगों पर? लुटेरों का भी एक उसूल होता है ना? बड़ा ऊंचा उसूल है जिसमें लूट मार सभी कुछ जायज। गौर से देखोगी तो दुनिया की हर चीज में एक उसूल पाओगी, यहाँ तक कि मोहब्बत भी बेउसूली नहीं होती। मतलब तुम्हारा मतलब ये कि तुम किसी एक खास आदमी से मोहब्बत कर सकती हो ना, हर किसी से तो नहीं कर सकती।
वैसे जगह अच्छी है। जगह तो काफी अच्छी है। काम काज, खेती बाड़ी, खाना कपड़ा सभी के पास मौजूद। नहीं, इसके अलावा इंसाफ है, बराबरी है, और सबसे बड़ी जो चीज हमारे पास है ना, वो मोहब्बत है, जो हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए है। इतने ही भले हो सबके सब, तो यहाँ पहाड़ों में क्यों छिपे बैठे? ये भी बता दूंगा एक दिन। खैर, इस वक्त चलो तुम्हारे लौटने का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करूं। जाओ जाओ। हाँ, जा। अच्छा, चलता। नाम बताओ। हवालदार मोतीलाल। अरे मेरा नाम नहीं, अपना नाम बताओ। अपना हजूर, मंगे का बेटा गंगा। बाप का नाम? रंगे का बेटा मंगा। मंगे का बेटा गंगा, रंगे का बेटा मंगा, समझ में नहीं आता है कि इसमें बाप कौन है और बेटा कौन है। अच्छा, किसने मारा तुम्हें? एक औरत ने हजूर। उसका नाम? जमुना देवी। गांव का नाम? अपने ही गांव है हजूर। कौन सी गली? गली भी अपनी है हजूर। उस औरत का घर? घर भी अपना ही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो औरत तुम्हारे घर में किराएदार है। तुमने जरूर कोई उल्टी सीधी बात कही होगी। नहीं हजूर, अपनी ही बीवी है हजूर। ओह, वेरी गुड, वेरी। क्या कहा, तुम्हारी बीवी है? तो तुम थाने में ये रिपोर्ट लिखवाने आए हो कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें मारा है? कितनी बीवी है तुम्हारी? एक ही है हजूर। ओ, बस जानते हो मेरी कितनी औरतें हैं? दो बीवी है मेरी, दो बीवियां। एक मारने को दौड़ती है और एक पीछे से धक्का देती है। अब तुम ही बताओ कि मैं ये किस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाऊं? बुद्धू, कहीं का थाने में रिपोर्ट लिखवाने आया कि बीवी ने मुझे मारा है? जा 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 मेरे भाई, उसे राजी कर लो, उसके पांव पकड़ लो, मिन्नत समाजत करो। अगर वो चले गई बेटा, तो याद रखो सारी जिंदगी चूल्हे में फूंके मारते रहोगे। और फिर औरतें तो भगवान का रूप होती है। जा 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 जा। अच्छा सर, बीवी की रिपोर्ट लिखवाने आया पागल कहीं का। नेक्स्ट 441। यस सर। कुछ सुना तुमने? हर प्रसाद के घर से जेवरात का डिब्बा चोरी हो गया है। ओहो, शुक्र है भगवान का सर कि सिर्फ डिब्बा ही चोरी हुआ है। अरे बेवकूफ, डिब्बे के अंदर जो जेवरात थे वो भी चोरी हो गए। ओ सर, तो जेवरात डिब्बे में थे। मैं अभी इस रिपोर्ट को रजिस्टर में दर्ज कर लेता हूँ। रजिस्टर में दर्ज करने से क्या फायदा, चोरी का भी तो पता चलना चाहिए। सर, इससे पहले सैकड़ों रिपोर्टें अधूरी पड़ी हैं, इसकी बारी तो बहुत देर से आएगी। ये राशन के दूध की दुकान है या पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन सर। फिर बारी बारी क्या लगा रखी है? मैं देख रहा हूँ कि आज तक कोई मुजरिम नहीं पकड़ा गया है। तुम सिर्फ एक मुजरिम पकड़ कर दिखा दो तो बाकी सबका पता चल जाएगा। सर, एक ही पकड़ना तो मुश्किल है, बाकी सबको तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। मैं जानता हूँ तुम जरूर ढूंढ लोगे। देखो, हर प्रसाद के नौकर को थाने में तलब करो, शायद उससे चोरी का पता चले। समझे? यस सर। 29, भाग कर जाओ हर प्रसाद के घर, उसके नौकर को यहां लाओ। ओह, नमस्ते हुजूर। आज अंदर रखो, जाओ। हर प्रसाद ने थैली में कितना मजबूत बांध रखा है, और सिल्क की थैली है हुजूर। अच्छा, सब सिल्क की है? हाँ, अंदर खोलो तो। हुजूर, इसमें से हीरा मोती मालूम होते। हीरे मोती? हाँ। अच्छा, दूसरी? हुजूर, इसमें भी हीरा मोती मगर बड़े बड़े। वाह वाह वाह। हुजूर, इसमें तो सोने का पाउडर है। पाउडर? सोने का पाउडर? हाँ। अच्छा, पहले इसी को खोलो। हुजूर, रेत। रेत? हाँ, सब खोलो। हुजूर, काले पत्थर। ये सब क्या है चंदर? हुजूर, ये सब उस आजाद लुटेरे की कारस्तानी है। आपके बाहर अगर उसके टुकड़े टुकड़े ना कर दिया तो मेरा नाम भी चंदर नहीं। चलो सुंदर बाबू के पास चले।
किसकी इजाजत से तुमने ये फल हमारे जंगल से तोड़ा बताओ? तुम किसकी इजाजत से ये पूछ रहे हो? जानती नहीं तुम इस जंगल में आजाद की हुकूमत है? और तुम नहीं जानते कि मैं उसी की मेहमान? बातें घड़ना खूब जानती हो तुम। ओ, तो यही कहने के लिए ऊपर पेड़ पे चढ़े बैठे थे? नहीं, पेड़ पर इसलिए चढ़ के बैठा था कि जब तुम नीचे से गुजरोगी तो तुम्हारे खोए हुए जवाहरात की ये थैली में ऊपर से ही तुम्हारी झोली में टपका दूं। अपने ही पास रखो, तुम्हें दे दी। औरतों के ये जेवर पहनने का मौका मेरे लिए शायद कम ही आएगा। तो इसे अपनी मर्दाना बहादुरी और सेवा का इनाम समझ लो। बड़ी कंजूस लड़की हो तुम तो। अपने सारे गहने तो दे दिए तुम्हें, और क्या चाहिए? पहले तुम्हें घर पहुंचा दूं, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। घर पहुंचाने का तो रोज ही सुन रही हूँ। ज्यादा बहस मत करो मुझसे, आज शाम को अपने घर चली जाओगी तुम। आज शाम को तो तय कर लिया तुमने? तय तो कर लिया है, मगर एक शर्त पर। भले लोगों के मानने की हो तो बताओ। मुझ जैसे शरीफ आदमी को एक चोर, चक्का, खूनी दरिंदा समझने पर घर जाकर तुम दिली दिल में मुझसे खूब माफिया मांगोगी, और जब भी मेरा सोचोगी खुद ही शर्म से सर झुका लिया करो। अभी से नहीं, घर जाकर अकेले में मेरे सामने नहीं। बागों में खिली कलियां। शोभा, शोभा, चूहे जैसा दिल है मेरा शोभा रानी, डर के मारे चीख निकल गई। अब ऊपर बैठी इधर उधर क्या देख रही है? नीचे उतरो, संभाल के। ये चढ़ कैसे गई तुम ऊपर? हैं संभाल के उतरो। लाख दफा कहा है कि जंगल में अकेली मत घूमा करो, मगर इस खोपड़ी में कोई बात समाये तो ही तो सुनो। चलिए चलिए। 441? यस सर। सर, कोई ताजा खबर? क्या आप नहीं जानते सर? रो क्यों रहे हो, आखिर हुआ क्या? सर, बड़ी भयानक खबर है, कैसे कहूं, जबान नहीं खुलती। जबान नहीं खुलती तो लो ये कागज और लिखो। सर, जबान ही बता देता हूं, शोभा को शेर खा गया सर। शोभा को शेर खा गया? सर, तुमने अपनी आंखों से देखा है?
सर, क्या आप ये चाहते हैं कि इतना भयानक सीन मैं अपनी आंखों से देखता? तौबा तौबा सर, भगवान का शुक्र है कि मैं वहां ना था। तो बगैर देखे ही गप मार रहे हो? सर, सिपाही नंबर 212 ने मुझे ये खबर दी है। 212 ने? तो क्या 212 वहां मौजूद था? नो सर, उसको उसकी बीवी ने बताया है। अच्छा, तो उसकी बीवी ने देखा है? नो सर, उसकी बीवी की एक सहेली ने जो जंगल में लकड़ियां चुनने गई थी उसने उसको कहा है। तो उस औरत ने देखा है? नो सर, जब वो औरत जंगल में लकड़ियां चुन रही थी तो वहां कुछ आदमी आपस में बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? यही कि एक लड़की को एक शेर हड़प कर गया है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो लड़की शोभाई थी? सर, ये मेरा आइडिया है सर। खामोश, कितनी बार तुमसे कहा है कि अपने आइडियाज अपने पास रखो। इतने बरसों से पुलिस में काम कर रहे हो मगर तजुर्बा तुम्हें नाम का नहीं है। हर बात को फौरन सच मान लेते हो। देखो, अगर तुमने जल्द ही कुछ करके नहीं दिखाया तो मैं DSP को लिख के तुम्हें हेड कांस्टेबल से फिर कांस्टेबल करवा दूंगा। जीती रहो बेटा, बैठ जाओ बेटा। बाबा, मैंने शोभा के जाने का सब बंदोबस्त कर दिया। जाने से पहले ये आपको प्रणाम करने आई है। अच्छा बेटा। और बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुम किसी की अमानत लौटाने जा रहे हो। लेकिन जाने से पहले शोभा को अपना वचन पूरा करना होगा। कैसा वचन? गाने का। गाने का? अच्छा, मुझे गाना कब आता है? झूठ बोल रही है बाबा, ये मैंने खुद अपने कानों से सुना। क्यों झूठ बोल रही है? चलिए उठिए। सुना दो। उठिए। सुनाओ बेटी। उठिए। Yeah.
ही सुंदर, सदा सुखी रहो बेटा। आजाद जाओ बेटा, इसे जल्दी घर पहुंचा। चलिए घर चले। क्या हो रहा है पट्टी? सर कुछ नहीं सर, वो चोरी और खून के मुकदमों की फहरिस्त अलग-अलग कर रहा था सर। और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? सर बहुत काम है सर, ओवर वर्क। 441? यस सर। तुम हमेशा कहते थे कि खान साहब अब्दुल रहीम शहर का बहुत बड़ा आदमी। हाँ सर, इसमें शाकी क्या है, उसके बंबई में दो बंगले हैं, शिमले में एक मकान है, यॉर्कशायर में दो घोड़ों के अस्तबल हैं, और सर उसकी चार बीवियां हैं। अच्छा, तो चार बीवियों वाला बड़ा आदमी होता है। सर इतनी बीवियां बड़ा आदमी रख सकता है ना? लेकिन उसके घर में तो कोई औरत नहीं। सर उसने सबको तलाक दे दी है। जानते हो आज खान साहब की गाड़ी पहाड़ी पगडंडी की तरफ गई है। सर घास चरने गई होगी। घास चरने? घास चरने गाड़ी जाती है घोड़ा? घोड़ा सर, वन आइडिया सर, मेरे ख्याल में गाड़ी जंगल से लकड़ियां लाने गई होगी। वाह वाह, क्या ओरिजिनल आइडिया है। थैंक यू सर। थैंक यू। अकल के अंधे, क्या खान साहब ने फैशनेबल गाड़ी जंगल से लकड़ियां लाने के लिए रखी है? उसमें खान साहब खुद मौजूद थे। खान साहब खुद मौजूद थे? इतना बड़ा आदमी जंगल की तरफ गाड़ी में क्यों गया? मुझे तो यकीन नहीं आता सर। तुम्हें आज तक किसी बात पर यकीन आया है? तुम्हारे लिए तो दुनिया का हर शख्स बड़ा आदमी है। चलो मेरे साथ जंगल में, हम चलकर खुद पता लगाएंगे। यस सर। सर मैं भी आपके साथ जंगल की तरफ चलूं? तुम क्यों नहीं चलोगे? कुछ नहीं सर, मैं तो ऐसे यूं ही पूछ लिया सर। बात यह है सर कि आज सुबह मैं खाना खाकर नहीं आया। मेरा सबसे छोटा बच्चा मिस्टर नरेंद्र गन्ना चूसने के लिए जिद कर रहा था। देखिए सर, ये देखिए, मैं उसके लिए गन्ने लेकर आया हूँ। सर मैं इसे घर जाकर छील कर गंडीरियां बनाकर पहले बच्चों को दे दूं, वो चूस ले, फिर मैं आपके साथ जंगल की तरफ चलूंगा। ये फिजूल बातें बंद करो, रास्ते में चलते हुए गन्ना घर पर दे देना। चलो मेरे साथ। यस सर। अकेला दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला, दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम।
कह रही है आ दिल से दिल मिला ले उल्फत से आग लेकर दिल का दिया जला ले सच्ची अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। सर ये जगह बिल्कुल ठीक है वो इसी रास्ते से गुजरेंगे जब भी वो आएंगे मैं उन्हें पकड़ लूंगा। नहीं नहीं 441 यस सर क्यों ना उस चट्टान पर चला जाए। सर वो बहुत दूर है सर। फोर फोर्टी वन यस सर हमें इस दरख्त पर चढ़ के बैठ जाना चाहिए। दरख्त सर हाँ हाँ करेक्ट सर सर चढ़ देखिए चढ़ देखिए पहले तुम चढ़ो। अब मैं सर आपकी गाड़ी चुप रहो। हाँ हाँ सर 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 शोभा गाड़ी में बैठ रही है वो बैठी वो सर दरवाजा बंद सर वो शोर क्यों मचा रहे हो ऐसे बोलो। सर घोड़ा दुम दबा कर भाग रहा है सर सर वो गया वो चलो वो जा सर चलिए आप पीछे पीछे चलो 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 सर ये साथ लेते गाड़ी के साथ जाओ तुम जरा होशियारी से जा जाओ और देखो तुम गाड़ी होशियारी से ले जाओ चलो है। शाबाश चंद्र शाबाश वो काम किया है तुमने जो रुस्तम से भी ना हो सकेगा। आजाद जैसे आदमी को नीचे दिखाना तुम्हारे जैसे शेर दिल का काम। चंद्र अगर आज मैं सुल्तान होता तो तुम्हें अपना वजीर खास बनाता। सरकार मैंने आपका दिल आबाद करने का वादा किया था सो कर दिखाया और अब कसम खा के कहता हूँ कि आजाद को जल्द से जल्द जिंदा या मुर्दा आपके कदमों में पेश कर दूंगा। शाबाश चंद्र हमें तुम्हारी बहादुरी पर नाज। शोभा मेरे दिल की रानी। सरकार खामोश कहां तक दर्द दिल को ही छुपाए अपने सीने में। अरे तड़प उठता है जब ये दिल तो फिर कहना ही पड़ता है। शोभा मेरी तकदीर का दरवाजा खोल दो। ओ शर्मा रही हो। शोभा हटा दो ये लाज का पर्दा। मेरी जाने तमन्ना मेरे दिल की शांति। सरकार शर्मा रही है जरा फिर कोशिश कीजिए। सरकार यूं काम नहीं चलेगा चलिए तो जाए। सरकार हिम्मत से काम लीजिए फिर पकड़िए चलिए तो। तो ये है मेरे दिल की शांति मेरी जाने तमन्ना सुल्तान की मलिका। सरकार ये सब उस कमबख्त आजाद की कारस्तानी है मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। सरकार हेड कॉन्स्टेबल हेलो हेड कैसे मिजाज। मिजाज इज एक्सीलेंट सर
आज सुबह बिस्तर से उठते ही मैंने अपने छोटे बच्चे का मुंह देखा सर। फिर क्या हुआ? सर होना क्या है, जिस दिन मैं अपने छोटे बच्चे का मुंह देखता हूँ उस दिन मुझे कोई ना कोई मुजरिम जरूर पकड़ने का मौका मिलता है। सर आज गाड़ी पकड़ने का मौका मिल गया तो बहुत ही अच्छा हुआ। तुम इस गाड़ी को यहाँ से ले जाकर इसके मालिक को दे दो। ये क्या कहते हैं आप सर, इस गाड़ी को मैं मालिक को दे दूं? ये नहीं हो सकता सर, इस गाड़ी ने तो मुझे सब इंस्पेक्टर नहीं, इस गाड़ी ने मुझे कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनाना है सर। सर इस गाड़ी में कौन आया था? हेलो इंस्पेक्टर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मिस्टर सुंदर, क्या ये खान साहब की गाड़ी नहीं? मैं पूछ सकता हूँ ये गाड़ी यहाँ कैसे आ गई? इसमें पूछने की क्या बात, गाड़ी सड़क पर बगैर कोचमान के भागी जा रही थी, मेरा नौकर पकड़ कर ले आया। अभी मैं पूछ ही रहा था कि आप लोग आ गए। लेकिन बंगले से गाड़ी सड़क पर कैसे आ गई? सर गाड़ी के साथ घोड़ा भी तो है, वो खींच लाया होगा। तुम चुप रहो। मिस्टर सुंदर, आपको ये गाड़ी सड़क से यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? सर सुंदर बाबू बहुत बड़े सोशल सर्वेंट हैं, सड़क पर कोई भी चीज अकेली जा रही हो ये जरूर उसकी मदद करते हैं। 441। यस सर। मिस्टर सुंदर, आपने इस मामले की इत्तला पुलिस चौकी पर क्यों नहीं दी? आपके ख्याल में मुझे ख्वाब आया था कि ये गाड़ी यहाँ आ रही। इंस्पेक्टर साहब आगे आगे ये गाड़ी आई और पीछे पीछे आप, और फिर पुलिस में रपट दिखाने का फायदा भी क्या? शहर में सैकड़ों चोरियां, डाके डाले गए, दिन दहाड़े खून हुए, लेकिन पुलिस ने क्या किया? मिस्टर सुंदर, आप अपने काम से मतलब रखिए। 441, ये गाड़ी चौकी पर ले जाओ। मिस्टर सुंदर, आप मुझे अपना बयान लिखवाइए। शौक से लिखिए। सुनो तो, शायद शोभा की आवाज सुनाई दे रही है। मालकन, आपको तो सोते जागते शोभा रानी के सपने आते रहते हैं। सच कहता हूँ, जब से बिटिया रानी गुम हुई मेरी तो अपनी नींद गुम हो गई। अरे पुत्र सुन तो सही, ये उसी की आवाज है। आवाज तो उसी की है, देखू तो। कौन है? बाबूजी। बाबूजी? शोभा मेरी बच्ची। मेरी रानी बिटिया, आ गई तू। भगवान ने हमारी लाज रखली बेटी। तेरे गांव में तो हमें खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता था, कहाँ चली गई थी तू? ओ मोतीलाल, आओ आओ, क्या बात है? सर पता चल गया, सर चल गया पता। किसका पता चल गया? शोभा रानी का सर। और हमारी शोभा का? है सर, आखिर एक न एक दिन तो पता चलना ही था। सर आज आप ये कैसी रूखी बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। नन्ने नन्ने बाल बच्चों को छोड़कर, बीवी से मुंह मोड़कर, खौफनाक जंगलों और पहाड़ों में भूखा प्यासा शोभा रानी को ढूंढता रहा हूँ। सर उसकी तलाश में जो जो मुसीबतें मुझ पर पड़ी, उसे या तो मेरा ईश्वर जानता है या मैं। बैठ जाओ हेड कांस्टेबल, तुमने सचमुच बहुत तकलीफ उठाई। सर अगर मैं ऐसी मुसीबतें ना उठाऊं तो मैं इंस्पेक्टर कैसे बनूंगा? सर अब मेरे लिए एक और नई मुसीबत आ रही है। वो क्या? मुझे सुंदर को गिरफ्तार करना है सर। सुंदर को गिरफ्तार करना है? बेशक, मैं मजिस्ट्रेट से उसकी गिरफ्तारी का वारंट भी ले आया हूं, और अभी अभी सुंदर को गिरफ्तार करके शोभा को छुड़ाकर यहां लाता हूं। आखिर ये माजरा क्या है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। आप नहीं जानते बाबू चरणदास, शोभा अभी अभी सुंदर के घर गाड़ी से उतर कर गई है। यस सर, मैंने अपनी दो आंखों से देखा है। बाबूजी। आओ बेटी। कौन? शोभा रानी। तुम्हें ताज्जुब क्यों हो रहा है मोतीलाल, ये मेरी बेटी शोभा है। शोभा रानी तुम सुंदर के घर से कब आई? सुंदर के घर? उसके घर मेरा क्या काम? ऐसा भी क्या सर, भला सुंदर के घर गाड़ी में से कौन उतरा था? ओह तो सुंदर की तरह पुलिस को भी मायूसी हुई है। सर मेरा तो सर चक्कर खा रहा है। सर ये जरूर कोई जादू का खेल है। तुम चुप रहो। 441। यस सर। अच्छा बाबू चरणदास, फिर दर्शन होंगे। नमस्ते। नमस्ते सर। मरना भी मोहब्बत में किसी काम न आया, मरना भी मोहब्बत में किसी काम न आया, दी जान मगर देके भी आराम न आया, दी जान मगर देके भी आराम न आया।
कहते हैं जिसे इश्क कयामत की बला है, शोला है कभी और कभी बादे सबा है। अश्कों का समंदर है तो आहों का खजाना, सुनते चले आए अजल से ये फसाना, इस किस्से का लेकिन कभी अंजाम न आया, इस किस्से का लेकिन कभी अंजाम न आया। मरना भी मोहब्बत में किसी काम न आया, हो किसी काम न आया, दी जान मगर दे के भी आराम न आया, दी जान मगर दे के भी आराम न आया। मरने की मोहब्बत में अदा और ही कुछ है, इस जहर के पीने का मजा और ही कुछ है। मरते हैं तो मरने की शिकायत नहीं करते, दिल वाले दिखावे की मोहब्बत नहीं करते, अब तक तो मोहब्बत में ये इल्जाम ना आया, अब तक तो मोहब्बत में ये इल्जाम ना आया। मरना भी मोहब्बत में किसी काम ना आया, किसी काम ना आया, दी जान मगर दे के भी आराम ना आया, दी जान मगर दे के भी आराम ना आया। होता ना अगर इश्क तो दुनिया भी ना होती, जीने की किसी दिल में तमन्ना भी ना होती। बिजली में चमकता तारों में ये नूर ना होता, लहरों को मचलना कभी मंजूर ना होता, क्या लुत्फ जो होठों पे यही जाम ना आया, क्या लुत्फ जो होठों पे यही जाम ना आया। मरना भी मोहब्बत में किसी काम ना आया, किसी काम ना आया, दी जान मगर दे के भी आराम ना आया, दी जान मगर दे के भी आराम। मरना भी मोहब्बत में किसी काम न आया। हाँ शोभा रानी, आप इतने दिनों तक रही कहाँ? आजाद के बंगले में। आजाद जैसा बदमाश चोर उचक्का लुटेरा ये बंगलों में रहता है, वाह कमाल इंसाफ है। 441। यस सर। शोभा रानी, इतना तो आपको पता होगा कि वो बंगला है कहाँ? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी आंखों ने दूर तक फैले हुए पहाड़ों और जंगलों के सिवा कुछ नहीं देखा। जब मैं गई तब भी रात थी, जब लौटी तब भी रात थी। अजीब बात है, रास्ता आपको नहीं मालूम, आदमी को आप नहीं पहचानते, तो फिर घर आप कैसे वापस पहुंचे? इंस्पेक्टर साहब, जहाँ वो पहाड़ी रास्ता खत्म होता है ना, वहाँ एक आमों का घना बाग है, वहाँ से खान साहब अब्दुल रहीम मुझे यहाँ लाकर छोड़ गए। खान साहब अब्दुल रहीम, वो रईस जो आपका पड़ोसी है? जी हाँ वही खान साहब। वाह, ये आप क्या कह रही हैं सर, कहाँ आजाद लुटेरा और कहाँ खान साहब अब्दुल रहीम रईस आजम, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। सर मुझे तो ये बात फीकी मालूम होती है। बाबू चरणदास, मुझे तो ये सारा केस अलिफ लैला का अफसाना मालूम होता है। खैर मैं फिर भी असलियत का पता लगा कर ही छोड़ूंगा। शोभा रानी एक बात बताइए, उस लुटेरे ने आपसे बर्ताव कैसे किया? सच सच बताइए, मैं अभी जाकर उसकी हड्डी पसली कूटकर सुरमा बना दूंगा। नहीं नहीं, आजाद मुझसे बड़ी इज्जत से पेश आया, वो नहायत शरीफ और रहमदिल आदमी है। सर अगर चोर उचक्के शरीफ होने लग गए तो पुलिस के दफ्तर को ताला लग जाएगा, आजाद अव्वल नंबर का लुटेरा और परले दर्जे का चोर है। वो शरीफ है या बदमाश,
इस बात का पता लगाना तो आपका काम है। सर आप क्या समझती हैं कि 441 उसे यूं ही छोड़ देगा? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परसों। अच्छा बाबू चरणदास, अब इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। तेरी गठड़ी में लादा चोर मुसाफिर जाग जरा, जाग जरा तेरी गठड़ी में लादा चोर। ये दुनिया है आनी जानी, ये दुनिया है आनी जानी, दो दिनों की सारी कहानी, दो दिनों की सारी कहानी। पी ले जल्दी ठंडा पानी, फिर जल्दी जल्दी भाग, मुसाफिर जाग जरा तेरी गठड़ी में लागा जो। ओ जीते रहो शंभू, गिरा दे मकान लगा दे तंबू, जयकारी महाकाली कलकत्ते वाली, वचन न जाए खाली। कहाँ घुसे आ रहे हो? ये पुलिस चौकी है, धर्मशाला नहीं। गुरु के लाल, धर्मशाला हो या थाना, संतों का हर जगह ठिकाना। हम न जाने कोई साहेब, न जाने अफसर, अपने लिए तो सब कुछ है भोले शंकर। बम बम भोले नाथ। तो भोलानाथ की तलाश में यहाँ आए हो? कैलाश पर जाओ बाबा, कैलाश पर। कौन हो तुम, किस लिए आए हो? बच्चा आदमी क्या जाने कि वो कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा। अपनी आत्मा से पूछो बेटा कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, हम दोनों कहाँ जाएंगे। बेटा ये संसार एक पहेली है, ये माया जाल है। गुरु के लाल वो तुम्हारा 441 कहाँ है? ओ तो तुम उस निकम्मे 441 से मिलने आए हो। हाँ। क्या लोगे उससे? जाओ जाओ अपना रास्ता लो। मूर्ख संसारी, रास्ता किधर है, कहाँ है? उसी रास्ते को ढूंढने के लिए तो मैंने जोग लिया है। जोग लिया है तो मुझ पर एहसान किया है। ए चुनचुनाई, बेटा उसको क्यों बुलाते हो? उसका शरीर जैसे यहाँ आया है वैसे ही चला जाएगा। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आवसी मैं रोंधूंगी तोए। बेटा हर आने वाली चीज जाने के लिए आती है। तो महाराज आप क्यों नहीं चले जाते यहाँ से? जरूर चला जाऊंगा, जरूर चला जाऊंगा। बेटा तुम्हारी आंखों पर दुई का पर्दा पड़ा है, तुम नहीं जानते कि मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं। हम दोनों में एक संबंध है, हम एक ही तार के दो मोती हैं। ए चुनचुनाई, इसे गर्दन से पकड़कर बाहर निकाल दो। शंकर का डाल गए न कंकर, मोदी को तंकर। क्या भाग्य रेखा है, शनि और मंगल दोनों एक ही द्वार पर बैठे हैं। बेटा तुम सर्कल इंस्पेक्टर बनने वाले हो और वो तुम्हारा 441 सब इंस्पेक्टर। ए 441। यस सर। ओ ओ तो तुम हो, मगर ये ढोंग रचने की क्या जरूरत थी? सर पुलिस की टोपी को देखकर मुजरिम इस तरह भागते हैं जैसे गधे के सर से सींग। सर इसीलिए मुझे ये आइडिया सूझा। भेजा तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। 441? यस सर। मगर तुम्हें ये सूझी कैसे? ये साधु का लिबास लाए कहाँ से? सर आप तो जानते हैं कि मेरी दो बीवियां हैं, इसीलिए सर मैंने पहले ही ये लिबास बनवा रखा था, ना जाने कब जरूरत पड़ जाए। सर बहुत दूर की सोच रखी है। मगर ये साधु का भेष बदल कर किसी मुजरिम का पता भी लगा? सर मैं गया ही कहा हूँ सर, सबसे पहले तो मैं आप ही को ट्रायल देने आया था। सर ये मेरा आइडिया कैसा है? सर एक बार तो आप भी चक्कर खा गए। बॉय ऑफ आइडिया, आज ही डीएसपी की चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है? सर सर डीएसपी साहब की चिट्ठी आई है। सर मुझे मालूम था कि चिट्ठी आई, क्योंकि मुझे ज्योतिषी ने कहा था कि चिट्ठी आएगी सर, और ज्योतिषी ने बिल्कुल सच कहा था। सर सर जरा देखिए कि डीएसपी साहब ने मेरे साथ इंस्पेक्टर बनने के बारे में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अगर एक महीने के अंदर अंदर सारे केसेस डिस्पोज ऑफ नहीं किए गए तो हम दोनों डिसमिस कर दिए जाएंगे। गुड गुड, मैं तो अपना कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे 13 यतीमों का क्या होगा? 13 नहीं सर, 12। मेरा बाप अभी जिंदा है सर। चुप रहो, ध्यान से अपना काम करो।
मैं खान साहब के घर जा रहा हूँ। खान साहब अब्दुल रहीम के घर सर? क्यों सर? आज उन्होंने मुझे पुलाव की दावत दी है। पुलाव सर? सर मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम यहीं रहो। यस सर। ट्वेंटी नाइन। यस सर। हमारे लिए एक सिंगल चाय लाओ। गरीब खाने पे कदम रंजा हुए आप, ऐन राहत हुई, लेकिन हकीर के लिए दिल में ऐसे शक रखते हैं इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे देखिए, मेरी लंबी दाढ़ी मुलायदा फरमाइए इंस्पेक्टर साहब, फिर खुद ही अंदाजा लगाइए कि भला मेरा ऐसे नंबरी गुंडों से क्या वास्ता, जिनकी तलाश में खुदा आप जैसे बीसीओ पुलिस के लायक अफसर मांस खा के रह गए। लेकिन खान साहब, मैंने तो सुना है कि आजाद आपका गहरा दोस्त है। देखिए देखिए जनाब, मैं मुसलमान आदमी हूँ, कयामत और जहन्नम के अजाब से डरता हूँ। आजाद हो या आजाद का कोई चेटा, अगर चोरी चकारी और लूट मार से ही पेट पालता है तो उसका नाम भी जबान पे लाना गुनाह अजीम समझता हूँ। नाराज न होइए खान साहब, आप बातें ही ऐसी कर रहे हैं, मैं क्या करूँ किबला? खान साहब, उस दिन जंगल से शोभा को आप घर लाए थे या नहीं? किस शैतान ने आपसे ऐसा कहा है हजरत? मुझे खुद शोभा ने बताया। शोभा ने बताया? जी हाँ, शोभा ने बताया। या मेरे अल्लाह। खान साहब, शोभा सच कहती है या आप पर कोई झूठा इल्जाम धर दिया गया है? खुदा न करे, खुदा न करे हजरत, वो नेक सीरत बच्ची इस तरह झूठ बोले। लेकिन मगर यानी अगर मैं अपने दोस्त की गुमशुदा साहिबजादी को वापस घर पहुंचा दूं तो क्या हुकूमत उसके लिए मुझे फांसी पे चढ़ा देगी? मैं कब ये कहता हूँ खान साहब, मेरा मतलब था इस वाक्य से जाहिर होता है कि आपकी और आजाद की गहरी क्षमति है और दोनों आपस में एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं। हाँ हाँ साहब, एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं, हम निवाला हैं, हम प्याला हैं, एक दूसरे पर जान देते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि आजाद को कानून के हवाले कर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मर्द मुसलमान जान दे सकता है मगर अपने दोस्त के साथ धोखा नहीं कर सकता। आप एक ऐसे मुजरिम को अपना दोस्त कहते हैं जिस पर 7 खून, 21 डाके और 56 चोरियों के इल्जाम लगे हुए हों? आपके सब इल्जाम सरियन गलत और बेबुनियाद है इंस्पेक्टर साहब। है कोई सबूत आपके पास कि ये तमाम जलील हरकतें मेरे दोस्त आजाद ने की है? नहीं खान साहब, इसीलिए तो आपके पास हजरत। आपके पास मेरे पास क्या करते हैं हजरत? कसम है पाक परवरदिगार की कि अगर मेरा दोस्त इस कदर जलील होता तो खुद अपने हाथ से उसके सीने में ठाने से गोली मार के उसकी लाश आपके कदमों पर लाके डाल देता मैं। यकीन मानिए खान साहब, कानून को आजाद से कोई दुश्मनी नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि अमन कायम रहे, गुनहगारों को सजा मिले और बेगुनाहों के साथ इंसाफ हो। तो फिर लाइए हाथ, आजाद को बेगुनाह साबित करना मेरा जिम्मा और उस बेगुनाह को कानून से इंसाफ दिलाना बाप का जिम्मा रहकर, ये मंजूर है? मंजूर है। बस तो फिर मैं कल ही दौलताबाद चला जाऊंगा। वहां से वापस तो आइएगा ना। 4 दिनों के बाद वहां से मैं ऐसी दलीलें लेकर लौटूंगा इंस्पेक्टर साहब कि इंशाअल्लाह अजीज आपकी तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, इंतजार रहेगा। दुआ करते रहिएगा मेरे लिए। यकीनन, क्यों नहीं। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आज की बात की खुशी में एक दौर शरबत का और हो जाना चाहिए। हामिद मियां, हामिद मियां, एक वक्त कहां मर गया? हामिद मियां आओ जानी लाल, बहुत दिनों बाद नजर आए, कहीं बाहर गए हुए थे क्या? जी हाँ, कुछ दिनों से बसंतपुर गया हुआ था। ओ बसंतपुर, वो क्यों? क्या करूं आपसे, किसी से कर्जा लेकर अदा न करना भी बुरी बात है। आपका कर्जा लौटाने की कोशिश में बसंतपुर के सेठ हवेली राम के पास गया हुआ था। रामू, चाय लाना। शुक्रिया, चाय तो मैं अभी पीकर आया हूँ। कोई बात नहीं भाई, अगर ज्यादा परेशानी हो तो मेरे कर्ज की चिंता न करना। ये तो आपकी मेहरबानी है, फिर भी चाहता हूँ कि सर से बोझ उतर जाए तो अच्छा है। अगर आप कल घड़ी भर के लिए मेरे गाँव आ जाए तो सब हिसाब साफ हो जाएगा। कल अगर तुम चाहते हो तो चलाऊंगा। जरूर तशरीफ ले आइए। अच्छा, मुझे याद दीजिए, और बहुत से काम करने। चाय तो पीजिए। बाबा की तबीयत खराब है और मैं शहर जा नहीं सकता, तुम गोपी और चंदा को साथ लेकर जाओ और देखो कि शोभा के साल में। अच्छा, बाय।
देखो मेरे बाबूजी 3 दिन से गुम हैं। हैं? कृपा करके आजाद से कहना कि वो उन्हें किसी ना किसी तरह ढूंढ निकाले। घबराओ नहीं, मैं अभी जाकर आजाद को खबर करती हूँ। जाने मन, तुम्हारी राह देखते देखते तो सुबह से शाम हो गई। तुम क्या जानो कि माशूक और रेल का इंतजार कितना कड़ा होता है। सुंदर, आज बरसों के बाद तूने मुझे प्यार से पुकारा है। मुझे डर है कि कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। मोहब्बत हमेशा दीवानी होती है मेरी गुलिस्तां बोस्तां। इश्क मुझे तूने हमेशा के लिए दीवाना बना डाला। क्या सोच रही हो? नहीं, कोई खास बात नहीं। शोभा का बाप घर से गुम हो गया है, इसलिए वो लोग बहुत परेशान हैं। क्या तुम उनकी मदद नहीं कर सकते? मदद कर सकता हूँ, जरूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनकी मदद क्यों करूँ? क्या तुम इस तरह शोभा से बदला लेना चाहते हो? मैं इतना कमीना नहीं। वो गरीब बहुत बेबस है, तुम्हें उनकी जरूर मदद करनी चाहिए। सुनो, मेरी खातिर ही सही। मैं तो तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि वो भी मुझे सुने। ये देखो डाल, ये चिट्ठी मुझे इंस्पेक्टर ने शोभा को देने के लिए दी, लेकिन ये सोच करके मैं किसी के मामले में क्यों दखल दूं, मैं खामोश रहा। कृपा करके तुम यही रहो, मैं जाती हूँ। जल्दी आना, मैं यही इंतजार करूंगा। अच्छा। कौन? जानकी? इतनी रात के? क्या सुंदर से फिर कुछ? नहीं नहीं, ये बात नहीं। शोभा, तुम्हारे बाबूजी खतरे में है, मैं उनको बचाने के लिए। क्या? बाबूजी खतरे में है? ये तुम क्या कह रही हो? ये चिट्ठी पढ़ लो। मेरी प्यारी बेटी शोभा, मेरी जिंदगी खतरे में है, इस खत को देखते ही तुम चली आओ। आते हुए अपने साथ जागीरदार का पुरनोट भी लेती आना। पुरनोट मेरे लोहे की अलमारी में रखा है, इंस्पेक्टर भी यहाँ मौजूद है, आने में देर मत करना। तुम्हारा पिता चरणदास। जानकी, बताओ मेरे बाबूजी कहाँ हैं? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबूजी के पास ले जाने के लिए ही आई। क्या सचमुच? जरा ठहरो, मैं भी आई। चलो चले। शोभा, अगर माँ से इजाजत लेनी हो तो ले लो। नहीं नहीं, अगर माँ को पता चला तो वो घबरा जाएंगे। चलो मैं चलती हूँ। आओ। आओ शोभा, बैठो बैठो। जानकी, तुम ऊपर जाकर मेरे लोहे की अलमारी से जरूरी कागजात का बंडल उठा लो। अच्छा। बैठो शोभा। बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी भी आ जाएंगे, तुम बैठो। तुम, मैंने सुना है बाबूजी खतरे में हैं। तुमने ठीक सुना है, लेकिन तुम चाहो तो उनका खतरा दूर हो सकता है। मेरे जाने से क्या होगा? नादान खूबसूरत लड़की, इतने भी नहीं समझती? जहाँ दो मोहब्बत भरे दिल धड़क रहे हो, वहाँ तुम्हारे या मेरे बाबूजी का क्या काम? जबान संभाल कर बात करो। क्या इस इरादे से तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? इरादा कोई नया नहीं, वही पुराना इरादा है। मोहब्बत का प्यासा कितने ही रेगिस्तानों को पार करके आज अपनी मोहब्बत के साहिल के पास पहुंचा है। मैंने कितनी ही रातें तुम्हारी दीद की तमन्ना में आंखों ही आंखों में काट डाली, और तुम चांद की तरह एक छोटी सी झलक दिखाकर हमेशा बादलों के पीछे छिप गई। मैं दीवानावार तुम्हारे पीछे भागता रहा, और तुम साय की तरह मुझे धोखा देती रही। और अब ये फासले की हदें टूट चुकी। शोभा, इन तरसे हुए हाथों को अपने हाथों में ले। सुंदर, अगर तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की तो याद रखो मैं इस रात की सुबह नहीं होने दूंगी। जाने मन जान पर खेल जाने की धमकी ना। मोहब्बत के दीवाने को एक रात तो क्या एक पल ही काफी। पाप की याद ने तुम्हें अंधा कर दिया, ऐसी नीच बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दीवानी मोहब्बत शर्म की तमीज नहीं करती। कौन है जो आज की रात तुम्हें मुझसे जुदा कर सके? सुंदर, ये क्या? ये पाप मत करना। तुम इसमें दखल देने वाली कौन? कौन? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुम्हें ये पाप हरगिज़ नहीं करने दूंगी। जानकी, अगर ये पाप है तो मैं इस पाप के बगैर जिंदा नहीं रह सकता।
जिंदा नहीं रह सकते तो मर जाओ। चली जाओ। नहीं जाऊंगी, ये पाप ये धोखा मेरे नाम लगेगा। खामोश। मैं फिर कहता हूँ चली जाओ यहाँ से, वरना जानती हो इसका अंजाम क्या होगा। चाहे मुझे मार डालो लेकिन मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी। हाँ तो मैं मार ही डालूंगा, इसीलिए तो कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। मार डालो, अपने हाथों से गला घोंट दो मेरा। अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। आज यह किस्सा भी खत्म किया गया। मार डाला जानकी, मेरी खातिर जान दे दी जानकी, शैतान। ये आखिरी कांटा भी रास्ते से निकल गया। शोभा आओ मेरे साथ। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ छोड़ दे, छोड़ दे। कौन हो? मैं कोई अवतार नहीं जो आकाश से धरती पर बेसहारों की मदद के लिए आता है। मैं एक इंसान हूँ और मेरा नाम आजाद है। आजाद? अच्छा हुआ तुम आ गए, बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार था। लेकर रहे शुभ, चलो। शुभ मैं अपने बाबा को बहुत खराब हालत में छोड़ के आया हूं, मैं जाता हूं, तुम अपना ख्याल रखना। Thank you.
सुंदर बाबू आजाद को जिंदगी से आजाद कर दिया। नहीं पारो, आंखें आजाद को देखने के लिए प्यासी हो रही हैं। कहाँ है वो? लीजिए आजाद आ गया। आ गए? क्या हुआ? बैठ जाओ बेटा। आजाद, ये धन जो मैं छोड़े जा रहा हूं अपना नहीं है, ये सारा धन मैंने चोरों और लुटेरों से छीना हुआ है बेटा। ये सब इनके मालिकों के पास पहुंचा देना और इस तरह की जिंदगी को हमेशा के लिए मेरी लाश के साथ जला देना। एक आशा थी तुम्हें और शोभा, शोभा, जांच पड़ताल हो गई बंदा परवर, सब नुक्ते ठीक लाया हूं ना? जी हाँ खान साहब, इन जवाहरात के अलावा तमाम चीजें हमारी फहरिस्त के मुताबिक हैं। हवाले भी बिल्कुल दुरुस्त है। किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूँ? शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है किबला, मगर अब तो आपको आजाद की नेकनीयती और बेगुनाही पे यकीन आ गया? जी हाँ, चोरों का तो पता चल गया लेकिन ये कत्ल खून के इल्जाम तो अभी बाकी है। अब जरा खुद ही गौर फरमाइए इंस्पेक्टर साहब, कि जो इंसान चोरी करना हराम समझता है वो बेगुनाहों के खून से हाथ लाल कैसे करेगा और क्यों कर करेगा? जी हाँ ये ठीक है खान साहब। जी तो क्यों नहीं सबको गिरफ्तार कर लिया जाए? अरे अभी इसकी क्या जल्दी है, पहले शोभा को दिया हुआ वादा तो पूरा कीजिए। बाबू चरणदास को ढूंढ कर वापिस घर पहुंचाइए इंस्पेक्टर साहब। क्या है बनफाइव? शोभा, एक बार तो आजाद तुम्हें मेरे कब्जे से निकाल कर ले गया, लेकिन ऐसा मौका मैं उसे फिर नहीं दूंगा। कल रात से पहले पहले अगर तुमने मुझसे शादी करना मंजूर न किया तो उस इनकार के जवाब में तुम्हारे बाबूजी की लाश तुम्हारे यहाँ भेज दी जाएगी। तुम्हारा चाहने वाला सुंदर। ये कमबख्त सुंदर तो कोई बड़ा जंगी आदमी दिखाई देता है। पहले उस बेचारी जानकी को मौत के घाट उतार दिया और अब बाबू चरणदास के पीछे हाथ धो के पड़ गया। खान साहब, तो आपको कैसे मालूम हुआ कि जानकी का कातिल सुंदर है? मेरी बात पे आपको यकीन नहीं आता किबला, तो जाके खुद शोभा से पूछ लीजिए। शोभा से पूछ लूं? जी हाँ। खान साहब, मैं तो इन पहेलियों से बेदार हो गया। बेदारी से न तो कोई काम चलेगा इंस्पेक्टर साहब, और न बाबू चरणदास घर वापस लौट के आ जाएंगे। ये तो मैं भी जानता हूँ। जानते हैं तो फिर चलिए पहले चैन से नाश्ता कर लें, बाद में निपट लेंगे इन सब बातों से। आइए आइए किबला। हामिद मियां, चंदर आवा, हजूर आपने कुछ सुना क्या? जागीरदार के बंगले को पुलिस ने घेर लिया। कब? अभी अभी आधा घंटा हुआ। सिर्फ ये नहीं बल्कि आजाद के गारा को पुलिस ने घेरे में डाल लिया। बहुत अच्छा हुआ। लेकिन तुम्हें ये कहां से मालूम हुआ? हुजूर, इस बात का चर्चा तो घर घर हो रहा है। होने दो, अब सुंदर पहले मैं अपना काम खत्म कर लूं। अब मेरे साथ बोला। अब है ये आप क्या कर रहे हैं? पुलिस के सिपाहियों को तो आपने वहां रुकवा दिया और खुद यहां चले आए हैं। मैं सब बंदोबस्त कर चुका हूं खिबला, आप चुपके से चले आइए, वरना कहीं दुश्मन होशियार हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। देखिए इसे संभाल के आइएगा, पैर फिसलता पैर। हमें अपना काम जल्द खत्म कर लेना चाहिए, अगर वो लोग आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। समझ में नहीं आता सुंदर बाबू की क्या करूं,
लाख सरमारा मगर उस बुढ़े को आपके नाम से नफरत है। एक मरतबा आप खुद ही उसे समझा कर देख लीजिए। आप क्या चाहते हैं कि मैं उससे भीख मांगूं? नामुमकिन। जागीरदार साहब आप ही एक आखिरी कोशिश कर लीजिए, फिर मैं समझ लूंगा। अच्छा देखिए चरणदास बाबू, एक मामूली सी बात के लिए आप इतना दुख क्यों उठा रहे? सुंदर में ऐसी कौन सी बुराई है? मेरी मानिए सुंदर और शोभा की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। आखिर इसमें आपका क्या बिगड़ता है? इसमें मेरी खानदान की इज्जत तबाह और बर्बाद हो जाएगी, चाहे मेरी जान सिसक सिसक कर क्यों ना निकल जाए, लेकिन मैं अपनी बच्ची शोभा का हाथ सुंदर के हाथ में हरगिज नहीं दूंगा। सुंदर को छोड़िए, मेरी मानिए मैं आपका पुराना दोस्त हूँ, मैं आपकी आंखों के सामने शोभा के टुकड़े हरगिज न होने दूंगा। क्या कहा? मेरी शोभा के टुकड़े? आप ठीक समझे, सुंदर बाबू ने सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दी है। जानते हो तुम्हारी हमें शोभा के लिए फूलों की सेज और नामे सुलगती हुई किताब। मार डालो बदमाशों, मेरी बच्ची को चढ़ा दो, लेकिन मैं अपने फैसले को कभी नहीं बदलूंगा। जागीरदार साहब इससे बहस करना फजूल है, मैं अभी शोभा को लेकर आता हूँ और इसकी नजरों के सामने चुपके चुपके कर। जल्दी न करो चंदर, इन्हें एक बात फिर सोच लेना। कहिए जागीरदार साहब, बाबू चरणदास लैंडलॉर्ड प्लस बैंकर को अभी तक ये दामाद पसंद आया या नहीं? भगवान से डरो, एक अच्छे घराने में जन्म लेकर तुम क्या क्या अत्याचार कर रहे हो। तुम्हारे बुजुर्गों की आत्माएं तुम्हें कोस रही होंगी, तुम जैसे पापी पर लानत भेज रही। सरकारी आप क्या सुन रहे हैं? जरा इशारा कीजिए तो मैं इस बुड्ढे की जुबानी खेच लूं। देर से अंदर ही थे? अरे हुलिया नहीं देखते मेरा हजरत, कम वक्त लुक है पजामे नाशुदी, गुस्ताख ने घुटना मार दिया मेरे पेट में, भंभौर भंभौर के नाक में दम कर दिया मेरा। खान साहब। हाँ जी। अब इन मक्कारों की शक्लें देखिए। इनकी? ये लो। अरे जागीरदार जी, बंदगी बंदगी जागीरदार जी, आ
आदाबंद है सुंदर लाल जी। आप ये भेड़िया की शक्ल कौन है? खान साहब, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ले जाओ इन्हें यहाँ से। हाँ, ले जाओ इन्हें, ले जाओ ये सब चट्टे बट्टे। अरे अरे, वो बाबू चरणदास कहाँ है? उनको ढूंढा आपने? बाबू चरणदास वो तो भूल गए। आइए खान साहब, चलिए। ओ बाबू चरणदास, कमबख्तों ने गठड़ी की तरफ बांध रखा है मेरे प्यारे दोस्त को। खान साहब, वो तो एक अनजाना आदमी इस हड़बंग में घुस आया। हाँ। अगर वो हमारी मदद न करता हाँ। तो न मालूम हमारी कौन सी गठबंधन थी। हाँ। और देखते ही देखते गायब हो गया। देखते ही देखते? जी हाँ। लेकिन चंदर उसे आजाद आजाद कहकर पुकार रहा। मैं चंदर की तो शक्ति गुम हो गई है इंस्पेक्टर साहब। आजाद को क्या पागल कुत्ते ने काटा जो बिलों के छत्ते में घुस आता है? मेरा भी यही ख्याल है। इन बेचारों को देख के तो मुझे रोना आता है। अगर आप लोग इस वक्त यहाँ ना पहुंच जाते तो लाश मिलती मेरी। ये तो बताइए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची कहाँ है? तो खैरियत से? उल्लू का पट्टा हमारे होते हुए शोभा को छू भी सकता है बाबू चरणदास जी। वो आपकी बच्ची जो है ना, वो घर पे है, खैरियत से है और आपको दिन रात याद करती रहती है। बाबू चरणदास जी, खान साहब सही फरमा रहे हैं, आपकी बच्ची घर पर है। घर पर है? शुक्र है भगवान तेरा, लाख लाख शुक्र है। परवरदिगार वाकई तेरा लाख लाख शुक्र है, पर नहीं दुश्मन तुम मार मार के कछुआ कीमा बना देते हमारा। चलिए चलिए खान साहब, चलिए। अरे कमाल है कमाल, चंदा ठाकुर उसके साथियों को गिरफ्तार करना तो चमत्कार है। चमत्कार कहीं क्या करें? सुंदर बाबू नमस्ते सर, नमस्ते। ओहो जागीरदार साहब आप भी, राम राम सर। अरे अरे अरे, इन शरीफ आदमियों को अटकड़ी क्यों लगा रखी है? अरे जानते नहीं ये हमारे गांव की करीम है, करीम। छोड़ दो इनको, छोड़ दो, उतार दो अटकड़ी इनकी, उतार दो। सर ये इतने बड़े रईस और 441, तुम नहीं जानते ये सब भेड़ के लिबास में भेड़िए हैं। करेक्ट सर। देखते क्या हो, बंद कर दो सबको हवाला आपने। यस सर। और 41? यस सर। जरा FIR का रजिस्टर दो। सुंदर बाबू आप तशरीफ रखिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। तुम भी बैठ जाओ, बैठ बैठ। आइए जागीरदार साहब आप तशरीफ लाइए। हाँ जागीरदार साहब अंगूठी उतार दीजिए। 441? यस सर। हैव यू फिनिश्ड? नॉट येट सर। हरी अप सर, मनी पर सर। क्या नाम है तुम्हारे बाप का? राय बहादुर हरचरण दास गुरचरण दास, सही से आदम जागीरदार नहीं बस्ती। बंद कर दो इसे हवाला आपने। यस सर। आइए जागीरदार सर। 829 जागीरदार साहब के लिए कोई अच्छा सा कंबल लाओ। सर मुझे ड्रीम में भी ये ख्याल नहीं था कि आपको इन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। व्हाट टू डू सर? और 41? यस सर। तुम इन सब चीजों की फहरिस्त तैयार करो, मैं अभी कुछ देर में वापस आता हूं। खान साहब, बाबू चरणदास ने हम सबको दावत पर बुलाया है और इसरार किया है कि आप अपने साथ आदात को भी ले आए। अगर वो जंगल का शेर पूरी भाजी खा के अपना क्या पेट भरेगा? खान साहब, दरअसल मैं खुद भी उससे मिलना चाहता हूँ। क्या क्या रंग बदलती है दुनिया मालिक, कल के चोर को आज मोहल्ले का मोहल्ला सर पे बिठाने को तैयार है। अच्छा देखिए, आप गोटे की टेकड़ी पे पहुंच जाइए जल्दी से,
वहाँ आजाद के आदमी कुछ माल असबाब और कुछ ऐसे आदमी आपके हवाले करने वाले हैं जो आगे चल के आपके काम आएंगे। और जल्दी कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, वरना दिन ढल गया और रात हो गई तो अंधेरे में टापते फिरिएगा। बेहतर है। बहुत अच्छा। अच्छा आदाब। आदाब। हाँ मैं। इतनी रात गए यहाँ क्यों है? तुमसे मिलने। ये भी कोई मिलने का वक्त है? जिस दिल में आग लगी हो शुभा, वो वक्त नहीं देखता। मैं तो समझती थी तुम अच्छे खासे शरीफ आदमी हो। मैं कब कहता हूँ कि तुम्हारा ख्याल गलत है? एक अकेली लड़की के कमरे में आधी रात गए इस तरह चले आना कहाँ की शराफत है? आधी रात तो उस दिन भी थी जिस दिन मैंने तुम्हें उन गुंडों से बचाया था। बचाया था तो क्या हुआ? एहसान नहीं मानो, मगर कम अज कम घर आए हुए आदमी के साथ कुछ इज्जत का सलूक तो करो। इज्जत से घर आते तो इज्जत भी पाते। समझा, तुम्हारा मतलब है सेहरा बांध के दूल्हा बन के आता मैं। बुद्धू हो तुम। क्या खुद ही बताओ, दिन की रोशनी में मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ? नहीं आना तो बताओ, तुम्हें बुलाया ही किसने था? फूल जब खिलते हैं तो भंवरे को कौन बुलाता है? बातें बहुत करते हो। दिल अगर मिल जाए तो बातों की भी जरूरत नहीं रहती। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, वरना मैं चिल्ला के सबको बुला लूंगी। अरे अभी से सबको क्यों जमा कर रही हो? शादी के दिन सब खुद ही आ जाएंगे। तुमने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। सच कहते हैं औरतें बड़ी बेमुरव्वत होती हैं। मैं तो तुम लोगों की खैरियत पूछने आया था, मुझे क्या मालूम था कि तुम मेहमान का इस बुरी तरह से स्वागत करोगी। अब मैं जाता हूँ और फिर कभी लौट के नहीं आऊंगा। सुनो, ऐसे मत जाओ। तो फिर कैसे जाऊं? तुम गलत ना समझो, सोचो इतनी रात गए कोई मुझे तुमसे इस तरह बातें करते देख ले तो क्या कहेगा? ठीक तो नहीं होगा शोभा, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। झूठ नहीं सच शोभा, मुझसे मोहब्बत है तो मेरा कहा मानो, कहो मानोगे? इसके तो और चारा भी क्या है। तो इस वक्त यहाँ से चले जाओ। अच्छा जाता हूँ। कल खाने पर आ रहे हो ना? आऊंगा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझे पहचानोगे भी नहीं। Yes, sir. क्या तुमने इन कैदियों के बयान लिख लिए? नो सर, मैं अभी अभी घर से आ रहा हूँ सीधा सर, मैंने तो अभी इनके दर्शन भी नहीं किए। राइट, इनके बयान सबके लिख लो। ओके सर। A29, दो आदमियों के बाहर भेज दो। सर ये पुलिस की नौकरी भी अजीब नौकरी है, लोग सुबह सवेरे उठकर भगवान के दर्शन करते हैं, हम बदमाशों और चोरों के दर्शन करते हैं। सीधे खड़े हो जाओ और ये रुमाल निकालो, रुमाल निकालो गले में से, जल्दी निकालो। ये ऐसे, क्या नाम है तुम्हारा? हरिदास। हरिदास। बाप का नाम? जमुना प्रसाद। जमुना प्रसाद। क्या कहा? हरिदास बाप का नाम जमुना प्रसाद? सर सर हमारे रिकॉर्ड में तो हरिदास मर चुका है और ये जिंदा है सर, जिंदा है। तुम्हारा नाम? हजारीलाल। हजारीलाल। और तुम रामगली वाले लब्बू राम के बेटे हो ना? अरे अरे, तुम्हारी बीवी ने तो तुम्हें मुर्दा जानकर दूसरी शादी भी कर ली है। इस लिस्ट के मुताबिक सबके बयान ले लो। ओके सर। चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, चलो चलो चलो। ए आगे हो जा रही, इधर आ जा, चलो चलो खड़े हो जाओ, एक लाइन में खड़े हो जाओ। हाँ, नंदलाल जी, माला बख्श जी, तोताराम महाराज, कन्हैयालाल जी, बुलाती राम सर। पुलिस के रजिस्टर में लिखा है कि ये सब आदमी मर चुके हैं। सर ये मुर्दा कैसे जिंदा होने लगे? सर अब तो चोरी का माल भी मिल गया है, सारे मुर्दा भी जिंदा हो गए, अब हमारे लिए एक सिंगल केस भी नहीं बचा। सर याद है मैंने एक दिन आपसे कहा था कि ये आजाद लुटेरा भगवान का अवतार है। तुम आदमी हो कि क्या? प्योर आदमी सर, प्योर आदमी। हाँ सर।
डींगे तो ऐसे मार रहे हो जैसे सारे केसेस का पता तुम नहीं चलाया है। सर आपने चलाया या मैंने चलाया, बात तो एक ही है, चल तो गया। सर अब देखिए सर, हम दोनों को अब प्रमोशन मिलने वाली है सर, मैं सब इंस्पेक्टर और आप सर सर्कल इंस्पेक्टर। खान साहब ये तो हो नहीं सकता कि हम आपके एहसानों का बदला चुका सके, लेकिन वैसे अगर हमारे लायक कभी कोई सेवा हो तो भूलिएगा नहीं। आपके लायक सेवा है और भूलूंगा भी नहीं, लेकिन कहूंगा उस वक्त जब के मेरे दोस्त के दामन से ये तमाम दाग धब्बे धुल जाएंगे। खान साहब कहां के दाग और कहां के धब्बे, उसकी और आपकी मदद से तो हमारे दरिद्र दूर हुए हैं। लेकिन आप लोगों की किताबों में तो वो अब भी मुजरिम करार दिया जाता है ना किबला। अतः ही नहीं खान साहब, पुलिस ने आजाद का नाम मुजरिमों की फहरिस्त खारिज कर दिया है। अच्छा जी हाँ, और हमारे पास जिले के सुपरिंटेंडेंट का हुक्म भी आ गया है। सुभान तेरी कुदरत, सुभान। खान साहब अब आजाद एक मुअद्दत शहरी है और जब जी चाहे जहाँ चाहे आ जा सकता है। कहिए दावत पर तो ला रहे हैं ना उसे आप? ला तो रहा हूँ किबला, लेकिन एक दिक्कत दरपेश है। दिक्कत? जी हाँ दिक्कत। वो क्या? कानून की गिरफ्त से छूटकर वो भला आदमी शोभा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। शोभा की मोहब्बत? जी हाँ शोभा की मोहब्बत में। लड़के लड़की की शादी करा दीजिए इंस्पेक्टर साहब, जिंदगी भर आपको दुआएं देते रहेंगे। इसमें शक नहीं कि वो लोग आजाद के एहसानमंद हैं, लेकिन इसके बदले में शोभा का हाथ मांगना मुनासिब नजर नहीं आता। मुझे इस मामले में न डालिए खान साहब। अरे लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आपके लायक कोई सेवा हो तो भूलो नहीं, और आप कहते मुझे इस मामले में ही न डालिए। और इधर मैं आप पर भरोसा करके अपने दोस्त आजाद से वादा कर चुका हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैं मजबूर हूँ खान साहब। तो होगा क्या? खैर मैं खुद ही कुछ खीर पका लूंगा, आप चलिए तो सही। आइए माशाल्लाह ये पूरी भाजी में भी है बात कुछ। अब एक आध गाना हो जाना चाहिए। ओ हाँ साहब, क्या आप गाएंगे? क्यों, खाया पिया सबका हराम करते हैं किबला, आज हम सब मिलके शोभा देवी को मजबूर करेंगे। क्यों बाबू चरणदास जी? हाँ बेटा सुना दो ना, हम खान साहब की बात नहीं टाल सकते। बाबू जी लीजिए, और हमारा कोई हक ही नहीं है क्या? उठो बेटा, मेहमानों को नाराज नहीं किया करते। कभी खामोश रहते हैं, कभी हम आह भरते हैं, किसी के वास्ते क्या क्या सितम इस दिल पे करते हैं, जो वो नजरों में नजरें डाल कर खुद हमसे ये पूछे, दिल पे हाथ रख कर हम भी कह दें क्या तुम पे मरते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। पी के दरस को तरस रही अखियां, पी के दरस को तरस रही अखियां, तरस रही अखियां बरस रही अखियां, तरस रही अखियां बरस रही अखियां, पी के दरस को तरस रही अखियां। मेरी खामोशी आई
सुभान अल्लाह, क्या गला है और क्या गले में नूर है। ना हुआ आजाद यहाँ झूम झूम उठता, जान देता है, अच्छी आवाज पर तो जान देता है। हाँ साहब, आजाद के ना आने से बड़ी मायूसी हुई, उसने हमारी कितनी ही मदद की। सच कहते हैं आप, आजाद ने तो हमारी डूबती नाव को किनारे लगाया है, उसका एहसान तो हम जिंदगी भर न चुका सकेंगे। चुका क्यों नहीं सकते, नियत पक्की होनी चाहिए, खाली बातें करने से तो कुछ नहीं होता। ये क्या कह रहे हैं खान साहब, आप हुक्म तो कीजिए, फिर देखिए कि आजाद के लिए हम क्या नहीं करते। तो फिर उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दे और नूर चश्म शोभा का हाथ उसके हाथ में दे दे। जी आप क्या कह रहे हैं खान साहब, शोभा का हाथ उसके हाथ में दे दे। तो इसमें हर्ज ही क्या है, चिराग लेकर भी ढूंढेंगे तो आजाद से बेहतर बर आप लोगों को शोभा के लिए नहीं मिलेगा। क्या कदबुत पाया है माशाल्लाह, और फिर पैसा भी इतना कि बच्चों के बच्चों के बच्चे भी खाएं उड़ाएं और खत्म ना हो। दौलत तो आजकल गधों के पास भी होती है खान साहब, क्या हमारी बेटी के लिए अब चोर उचक्का ही रह गए हैं। देखिए मैं सब कुछ सह सकता हूँ, मगर मेरे दोस्त को कोई चोर या उचक्का कहे मैं ये नहीं सह सकता। खान साहब गुस्ताखी माफ, इसमें बिगड़ने की कोई बात नहीं, आजाद को न हम जानते हैं न पहचानते हैं, ये हमारी बच्ची की जिंदगी का मामला है, बगैर सोचे समझे हम कैसे हाँ कर दें। इंस्पेक्टर साहब मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा। बजा फरमाया है आपने, बजा फरमाया है, मगर शायद आप लोगों को ये नहीं मालूम कि आजाद एक बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखता है। घराना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, लोग तो उसे चोर और डाकू ही समझते हैं। आजाद को चोर या डाकू कहना इंसाफ का खून करना है, वो जवामर्द सच्चाई का सिपाही जो खुद चोरों से छीन कर हकदारों का हक लौटाता है और बेगुनाहों को जुल्म और मौत के पंजे से छुड़ाता है, वो डाकू है। आप ही कहिए इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या उलफोल बक रहा हूँ। बाबू चरणदास, खान साहब सच कहते हैं, आजाद वाकई में एक शरीफ नौजवान है, उसको चोर के नाम से पुकारना बेइंसाफी है। खान साहब आपने वादा किया था, बताइए ना आखिर आजाद है कौन। कह तो दिया हजरत, वो मेरा एक करीबी दोस्त है। आज से 20 बरस पहले इस इलाके में जग्गा नाम का एक डाकू हुआ करता था और उसने इसी गांव के एक रईस शंकर लाल का खून कर दिया। हाँ खान साहब, शंकर लाल जी के छोटे भाई बिहारी से मेरी बहन भी आई गई थी। तो फिर आपको इसका भी इल्म होगा कि बिहारी अपने भाई के खून का बदला लेने जग्गे के पीछे चंद आदमी लेकर पहाड़ों में निकल गया था। जी हाँ, बिहारी के बाद ही मेरी बहन पारो भी घर से लापता हो गई। खैर, बिहारी अपने भाई का बदला लेकर रहा, उसने जग्गे को मार डाला, मगर उसके बाद पुलिस के डर से वो घर वापस नहीं लौटा और उसने अपनी जिंदगी के बाकी दिन पहाड़ों में रहकर ही पूरे किए। आजाद दरअसल बिहारी मरहूम का ही दूसरा नाम है और मेरा दोस्त जिसे आप लोग आजाद कहते हैं उसका असली नाम कुमार है। कुमार? कुमार? जी हाँ कुमार, और वो रहने वाला भी इसी गांव का है। इसी गांव का रहने वाला? इसी गांव का। जी हाँ, ये वाकया भी दरअसल उसी जमाने का है जब इस गांव के चंद लड़के एक जख्मी शेर की खबर सुनकर उसे देखने जंगल की तरफ निकल गए। झाड़ियों में छुपा हुआ शेर अचानक उन पर झपट पड़ा, बाकी तो सब भाग गए मगर मेरा दोस्त वहीं खड़ा का खड़ा रह गया, मगर पेशतर इसके कि वो शेर से खत्म कर देता बिहारी यानी आजाद वहां पहुंच गया और उसने मेरे दोस्त की जान बचाई। फिर उस बच्चे का क्या हुआ खान साहब? जब बिहारी को मालूम हुआ कि कुमार उसकी बीवी की बहन का लड़का है तो उसने उसे अपने पास ही रख लिया और खुद ही उसकी परवरिश भी की। मेरा दिल कहता है ये हमारा ही कुमार है। और मेरा दिल भी कहता है कि वो जरूर हमारा ही कुमार है। क्या कहते हैं हजरत, एक चोर चक्की को अपना बेटा बना रहे। छी 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 छी। क्षमा कीजिए खान साहब, हमसे बहुत भूल हुई, कुमार हमारा ही बच्चा है, 15 वर्ष हुए हमसे बिछड़ गया था, हम तो उसकी तलाश में रो रो के सबर कर बैठे थे। ईश्वर आपका भला करे, हमें हमारे कुमार से मिला दीजिए। हमारा कुमार? मिला सकता हूँ, यही ला सकता हूँ आपके पास। तो फिर जल्दी से उसे यहाँ ले आइए खान साहब, उससे कहिएगा कि तेरे माँ बाप की आंखें तुझे देखने को तरस रही। ये भी कह दूंगा, लेकिन जरा ये शादी का मामला पहले तय हो जाना चाहिए। ये तो बरसों से तय है खान साहब, ईश्वर आपका भला करे, आपने तो इस घर के सारे दुख दूर कर दिए हैं। यकीन मानिए ये खुशखबरी सुन के मेरा दोस्त भी बहुत खुश होगा, मैं कल उसे अपने साथ ही यहाँ लाऊंगा। बाबू चरणदास, ये तो खुशी की बात है कि आपको अपना बेटा और शोभा को अपना जीवन साथी मिल गया। मिला तो आपको भी बहुत कुछ है इंस्पेक्टर साहब, चोर डाकू माल असबाब सभी कुछ तो हाथ आ गया। खान साहब ये सब आपकी मेहरबानी। मेहरबानी तो उस पाक परवरदिगार की है, क़िबला हम आपके आए। अच्छा इजाजत है। अच्छा आदर नमस्ते। आदर नमस्ते।
कौन कौन है? सूरत से पहचान लो, मैं तो अपना सब कुछ भूल गया। तुम कैसे आए? आया नहीं, लाया गया। इस वक्त तुम्हें यहाँ कौन लाया है? घटाओं जैसे काले बाल, दो खूबसूरत आंखें, एक धड़कता हुआ दिल, यही सब खींच लाए। ये क्या बोल रहे हो? हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ। तो बोलो, मैंने कब मना किया? इसी भाषा में एक शब्द है, उसे प्रेम कहते हैं, सुना होगा। खैर, प्रेम छुप नहीं सकता, जिस चेहरे पे हो साफ नजर आया था। जब किसी औरत की नजर झुक जाए और वो इस तरह मुंह फेर ले, तो ये मान लिया जाता है कि उसे मोहब्बत हो गई। मैं जानता हूँ तुम सब ऊंच नीच सोच रही हो, ये सोच रहे हो कि ये ठीक है या गलत। क्या ठीक है या गलत? यही मेरे करीब आना, मुझे छू लेना। झूठ, मैं बिल्कुल नहीं सोच रही। और तुम्हारा दिल चाहता भी है, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें कहता है ऐसा मत करना। मर्द लेकिन इस तूफान में कुछ नहीं देखता, बस आगे बढ़ जाता है। शोभा, मैं भी इस तूफान में बहुत आगे बढ़ गया। तो फिर आगे भी तुम ही जाने। शोभा, 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 माँ तू अभी तक सोई नहीं? ये अंदर से आवाजें कैसी आ रही थी? आवाजें नहीं माँ, मैं एक सपना देख रही थी। ओ, तू सपने में बातें कर रही थी? हाँ माँ, सपने में मुझे एक डाकू उठाए लिए जा रहा था, मैं डर गई माँ। रानी बिटिया, अब तुम्हें कोई डाकू नहीं उठा कर ले जाएगा, कल तेरा रखवाला आने वाला है। मेरा रखवाला? हाँ हाँ, मेरा रखवाला तो मेरे साथ है। क्या कहा, कौन है वो? मेरा भगवान, वो जो सबका रखवाला है। अच्छा बेटी, अब जाके सो जा, नींद से तेरी आंखें बोझल हो रही है। माँ से झूठ बोलने वाली लड़की, मैंने सब सुन लिया है। शर्माओ मत, अब जाओ, जाके सो जाओ।
आइए आइए खान साहब। नजर बद्दूर हुस्न है कि आंख ठहर नहीं सकती। आजाद को कैद करने वाली दोशीजा, तुम्हें देखकर तो फरिश्ता भी बहक जाए, इंसान क्या है। चलिए चलिए नीचे चलिए। चलूंगा चलूंगा, ये कमबख्त हुक्का पी पी का गला सूख रहा है। आपको जरा जहमत तो होगी मगर अपने नन्ने नन्ने हाथों से एक गिलास पानी पिला दीजिए, ठंडा पानी। जी। माफ कीजिएगा। लड़की है या बिजली का तार छुआ क्या कि जैसे सारे बदन में सनसनी दौड़ गई। गुस्से की नजर से न देखो अजीजा, देखो मैंने तुम्हारे खानदान की कितनी मदद की है। जी बहुत की है, शुक्रिया। अभी तो और भी करूंगा, अभी तो और भी करूंगा। मैं तो मैं भर पाया। मुझसे डरो नहीं शोभा, देखो इस लंबी दाढ़ी पर न जाओ, मेरे दिल को देखो, अफूर रहीम की कसम है, अब्दुल रहीम का बुरा हाल है। आज आप पर क्या भूत सवार हो गया है खान साहब, जो ये अनाप शराब बक रहे हैं। अनाप शराब न कहो शोभा, अनाप शराब न कहो, अपने दिल से पूछो, उसमें तो बस मैं ही मैं हूँ। आपका तो दिमाग चल गया है, आज तक मैं आपको एक बुजुर्ग फरिश्ता समझती थी, मगर अब पता चला कि इस दाढ़ी के पीछे एक राक्षस छिपा हुआ है। रुक जाओ शोभा, अपने खान साहब से इस तरह मुंह मोड़ कर ले जाओ। तमीज से बात कीजिए। मानती हो कि धोखा खा गई? मैं क्या, दुनिया भर को बुद्धू बना रहे हो, अब और भी कुछ बाकी है? और क्या मतलब ये कि एक ही बार बता दो कि तुम कुमार हो, आजाद हो, खान साहब हो या और कुछ भी। एक और रूप बाकी। वो कौन सा? वो अपने दिल से पूछो। औरत दिल की बात जबान पर लाए तो वो निर्लज कहलाती है। शुभा। अरे ये क्या खान साहब, भगवान आपका सत्यानाश करे, शर्म नहीं आती है आपको? ये तो आपके बच्चे के बराबर है और आप इसके साथ इस तरह मजाक कर रहे हैं। मैं तो समझती थी कि आप एक शरीफ पड़ोसी हैं, मगर मुझे क्या पता था कि आप हमारे घर में दाखिल होकर हमारी इज्जत पर हाथ डालेंगे। आपकी दाढ़ी में कीड़े पड़े, भगवान आपका सत्यानाश करे। देखिए ना इस बुढ़े ने क्या अंधेर मचा रखा है। क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रहे? शोर ना मचाओ तो क्या करूं, हमारी इज्जत बर्बाद हो गई, खान साहब ने हमें कहीं का ना रखा। बात क्या है, कुछ कहोगी भी? अरे कहने की बात हो तो कहूं भी, आप अपनी आंखों से देखिए, वही देख लीजिए ना। ओ शोभा, खान साहब के साथ? बाबूजी जहन्नुम में गया तेरा बाबूजी, बेशर्म कहीं की। किस मुंह से मुझे बाबूजी कहती है, क्या इसी दिन के लिए पाल पोस कर मैंने तुझे इतना बड़ा किया था? बाबूजी दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं कहता हूँ जनाब, ऐसी कौन सी कयामत आ गई है जो आप इतना शोर मचा रहे हैं? जायज बात है, आपकी साहेबजादी ने मुझे मोहब्बत का पैगाम भेजा, मैं भी इंसान हूँ, सीने में दिल रखता हूँ, मैंने कबूल कर लिया। बस बकवास बंद कीजिए, मैंने खानदानी आदमी समझकर आपसे मेलजोल बढ़ाया था, लेकिन मुझे न मालूम था कि आप आस्तीन के सांप साबित होंगे। बस इसी तरह यहाँ से निकल जाइए वरना। बाबू चरणदास ये क्या मामला है? इंस्पेक्टर साहब आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, इस दरियल शैतान ने मेरी इज्जत में हाथ डाला। खान साहब क्या ये सच है? मुझे तो यकीन नहीं आता। मेरे मोहतरम अब पुलिस वालों को कोई कैसे यकीन दिलाए? सीधी सी बात है, मैंने बाबू चरणदास की कुछ मदद की, माशाल्लाह बाइज्जत और शरीफ आदमी है, मगर टस से मस नहीं हुए। अब उनकी साहेबजादी ने मेरे एहसानों के बदले में खुद ही अपने आप को मेरे हवाले कर दिया, तो बताइए कि मैं खुलूस और मोहब्बत के इस नजराने को क्यों कर ठुकरा सकता हूँ? बात मेरी समझ में तो आई नहीं। या तो मेरी किस्मत का सितारा गर्दिश में है या शोभा का दिमाग खराब हो गया है। इंस्पेक्टर साहब आप हमेशा मेरे आड़े वक्तों में मेरी मदद करते रहे हैं, इस वक्त भी मेरी इज्जत बचा ली। दीदी पारो। पारो दीदी मुझे पहचाना? पारो तुम जिंदा हो मेरी बहन, मेरी अच्छी बहन। हाँ दीदी। कुमार कहाँ है? वो भी तो तुम्हारे साथ आने वाला था। वो तो यहाँ आते गया दीदी। कहाँ पारो, मेरा बेटा तो यहाँ नहीं आया। ये कौन है दीदी? नाम ना लो इस पापी का, हमारी तो लुटिया ही डुबोना चाहता है कमबख्त। ईश्वर करे आग ही लग जाए इसकी दाढ़ी में। तुम ठीक कहती हो माँ, लो डाल दो इसे चूल्हे में। अरे अरे ये मुआ कौन है? माँ ये तुम्हारा ही बेटा है दीदी। कुमार मेरे बच्चे, परसों हमारी आंखों के सामने रहकर भी तू हमसे दूर रहा, तू हमारी मदद करता रहा और हमें पता तक भी न चला मेरे बेटे। सर
क्या ये वही आजाद है जो अब तक हमसे गोलमाल करता रहा? तुम आदमी हो या घनचक्कर, अब तक कितना भी नहीं समझे। सर अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं कल से इसे गिरफ्तार करके आपके पास पहुंचा देता। हवलदार साहब, राम की राम जाने अगर मुझे इसकी खबर होती तो मैं भी इसकी रिपोर्ट आपको लिखवा देता। तूने सब कुछ जानते हुए मुझे बनाने की कोशिश की थी? मुझे क्या मालूम था कि ये आपके लड़के हैं, लेकिन ये तो जानती थी कि ये तेरा होने वाला दूल्हा है। सर, वन आइडिया सर। सर इन दोनों का पूरी तरह से गठबंधन कर दे, नहीं तो सर ये फिर भाग जाएंगे और फिर सबका नाक में दम कर देंगे। कुमार भैया, वन मोर आइडिया। एक ही से निभा लेना भैया, दो का सोचोगे तो मेरी तरह 441 हो जाओगे।